चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दो तीन बातें जल्दी जल्दी ओपन कर लो। डिस्कशन खत्म ही नहीं होता है। मतलब क्या डिस्कशन करते हो, थोड़ा बताओ जरा। कुछ भी मतलब जो हो गया शुरू हो गया, पता है क्या क्या। अच्छा कोई बात, बोतल ये क्या था। अच्छा पता है आपको, एक अभी एक हैप्पी इंडेक्स आता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, और एक आता है बात करने का इंडेक्स। इंडिया में सर सुन लो, इधर इधर हो गया अभी ना। चलो ठीक, चलो नोट्स ओपन कर लिए। देखना जरा इसमें तेजी से चलेंगे थोड़ा, ठीक है ना। अगर आप जितना ज़्यादा सुनोगे, बीच में जो अगर बात करोगे तो दिक्कत होगा, बात मत करना। जितना ज़्यादा सुन लोगे जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा दूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए हम लोग कल बजट वाला पढ़े थे, बजट पढ़े थे, अरे सेशन पढ़े थे, डिसॉल्यूशन प्रोरोगेशन पढ़े थे ना, ये सब ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लंच का टाइम कितना था, एक से दो। लंच का टाइम देखो कोई नहीं भूला है, और पूरा अगर पूरा टाइम बोले तो लोकसभा में 12 से कितना, 6। तो 11 से 6 चलो, और राज्यसभा में 11 से 5 ठीक है। तो 11 से 12 तक क्या होता था, कौन सा आर, क्वेश्चन आर। 12 से 1 0 आर, फिर 1 से 2 लंच, और फिर 2 से, 2 से फिर 6 तक आपका जितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो होगा, ठीक है। चलिए तो पेज नंबर क्या है बताइए जरा। चलो 161 पे आते हैं एक बार, और थोड़ा सा यहाँ से फिर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, पता है मुझे, डोंट वरी डोंट वरी, चिंता ना करें। वो जो पीछे का जो छूटा है उसके लिए टेंशन ना लें, वो एक्चुअली आपको पढ़ाया हुआ है, उसके लिए परेशान नहीं हो आपको, क्योंकि वो शब्दों में बोला हुआ है, आप जब रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ फिर भी। देखो BMW तो आपको पता ही है क्या था बजट। अच्छा देखो न्यूज़ में 18 तारीख से होने वाला है ना, तो सर वही मैंने बोला, जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान में रखो, करंट अफेयर बन जाएगा। 18 तारीख को होने वाला है मानसून, और कमाल की बात है कि इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और मानसून सत्र एक बार कोइंसिडेंस लगभग होने का है, हालांकि अलग हो जाएगा, अलग बात है। हाँ लेकिन फिर भी एक बात को समझो, अब जब पेपर में आ रहा है कि मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया, बजट स्टार्ट हो गया, तो समझ में आएगा। नहीं तो सर बाद बाकी तो चलता ही था, द हिंदू चल रहा है। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ, इस पेज में 159 है शायद, 158 में देखोगे नॉर्मल चीज़ें हैं जो बताया हुआ है आपको। क्या है देख लो, टर्म है। अब टर्म मैंने क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ रूल 1, सबसे पहले एनी लॉ पास्ड इन लोकसभा ओनली इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड देन क्या है, लॉ विल बी लैप्स ऑटोमेटिकली। मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई बिल अगर लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा खत्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, टर्म खत्म हो गया तो जो बिल पास होगा खत्म, ऑटोमेटिक बात खत्म। अब उसमें कोई बिल, हाँ उसमें ऑटोमेटिक इसने प्रपोज किया था, इस गवर्नमेंट ने, अब उसका सेशन टर्म खत्म हुआ, बात खत्म। नीचे आओ, नेक्स्ट सेशन दिख रहा है, सेशन में मैंने यस लिखा है, दिख रहा है। इधर कोने में आओ, लेफ्ट साइड में 158 कॉर्नर पे आओगे तो देखोगे, अगर कोई कानून पेंडिंग है देन क्या वो टर्म सेशन के बाद भी पेंडिंग रहेगा या नहीं, ये बात लिखा गया है। तो कोई कानून पेंडिंग है तो टर्म के बाद पेंडिंग नहीं रहेगा, नो। सेशन के बाद यस, सिटिंग के बाद यस, और एजेंडा के बाद यस। सीधी सी बात है, 5 साल खत्म, बात खत्म। 5 साल से पहले और सिटिंग चले चाहे एजेंडा, अरे वो तो रहेगा,
पेंडिंग है तो क्या हो गया, अगर मान लो बोला गया कि अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है, फिर भी कभी ना कभी तो होगा, और जब कभी ना कभी होगा तो सर वो एजेंडा थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, तो खैर ये दिमाग में रखना। बाकी नीचे वही चीज़ है कि सर डन बाई किसके द्वारा डन होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि प्रेसिडेंट करता है डिसोल्यूशन और क्या प्रोरोगेशन, बाकी सर उसके आगे सेशन, सीटिंग, एजेंडा, ये छोटा छोटा जो चीज़ है। मान लो एजेंडा की बात है, स्पीकर ने बोल दिया कि नहीं होगा आज एजेंडा डिस्कशन, क्योंकि सर उस तरह का माहौल मान लो नहीं बना, तो सर बड़ा काम प्रेसिडेंट ही करेगा। जैसे कि आपका टर्म खत्म हुआ, कौन आपको हटाएगा? प्रेसिडेंट। अगर आपका टर्म मतलब कितना साल, 5 साल, सुन पा रहे हो ना सब, तो टर्म 5 साल खत्म, प्रेसिडेंट बोलेगा चलिए निकलिए। दूसरा उसके बाद सेशन, सेशन में भी कौन खत्म करेगा? प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको डिसोल्यूशन, फिर मैंने आपको क्या बोला प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन क्या था, जब एक सेशन खत्म हो तो उसको क्या बोलेंगे प्रोरोगेशन। उसके बाद आगे आएंगे एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट ने क्या बोला था कि सर क्या एक सीटिंग खत्म हुआ एडजॉर्नमेंट, फिर उसके बाद जब होगा तब होगा एडजॉर्नमेंट। सीनेडाई क्या था कि सीटिंग खत्म हो गया अनिश्चित काल के लिए, उसके बाद अब कब बैठेगा कोई आता पता नहीं है। अब जरा नेक्स्ट स्टेप नीचे आना और यहाँ से समझना। तो सर अब इसके बाद उसी में यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने बताया है आपको, बाकी कुछ नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के पास जब तक कोई बिल नहीं जाएगा तब तक वो एक्ट ऐसे भी नहीं बनेगा। अब सीधा पेज नंबर आप आएंगे कहाँ पे, 159 पे एक बार आइएगा। अच्छा वहां पे देख लो पहले, 158 पे ही देख लो एक, जहां सिटिंग और एजेंडा दिख रहा है आपको, उसके नीचे देखना एक लिखा होगा यहाँ लॉ का कोई फ्यूचर नहीं डिसाइड होता है, इनके एडजॉर्मेंट या टेबल दैट इज इनको लिमिट सिर्फ हाउस तक है, इसलिए स्पीकर डिसाइड करता है कि एडजॉर्मेंट होना चाहिए या नहीं, या टेबलिंग होना चाहिए नहीं। सुन पा रहे मेरी बात? और इधर साइड कौन डिसाइड करेगा टर्म और सेशन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टर्म और सेशन तक, ये दिमाग में रखना। अब जरा नीचे आओ, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉरी बट एक कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि जब कोई कैलेंडर पावर है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है इतने खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दैट इज। तो वो पहली बात ये, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट जब मन तब जाकर डिसोल्यूशन कर देगा। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी रूल ऑफ प्रोसीजर में क्या लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल जिसका कंप्लीट हो जाएगा उसको सर हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं चला जाएगा कि चलिए भैया हो गया काम आपका, वो तो ऑलरेडी रूल में लिखा हुआ है, उसको फॉलो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। बात खत्म। तो प्रेसिडेंट को ये नहीं आप बोल सकते कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि ये कर सकता है, नहीं। प्रेसिडेंट को पावर दिया किसने है? हमारे लॉ ने, हमारी अथॉरिटी ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो उसको पावर दिया है कि 5 साल जब खत्म हो तो आप जाइए और सरकार को हटाइए और नए सरकार बनाने की प्रक्रिया को शुरू करिए। मेरी बात सुन पा रहे? अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 159 पे आओगे तो सबसे पहले है आफ्टर डिसोल्यूशन प्रीवियस स्पीकर तब तक रहेगा जब तक नया लोकसभा स्पीकर नहीं आ जाते। अब मान लो डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन में दो चीज हो गई, तो पहले का जो स्पीकर है प्रीवियस स्पीकर सर वो तब तक रहता है, भले ही टर्म खत्म और डिसोल्यूशन हो चुका है लेकिन स्पीकर तब तक रहेगा जब तक कि दूसरा नया नहीं आ जाता है गवर्नमेंट, तब तक रहेगा जब तक नया लोकसभा स्पीकर नहीं आ जाता। एंड प्रीवियस स्पीकर रहकर भी क्या करेगा बिकॉज लोकसभा ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। बात तो ये है ना कि लोग, लेकिन हाँ फिर भी एक डेकोरम को मेंटेन किया जाता है कि सर हाँ हाउस में कोई रहे तो सही। अब जरा नीचे आओ, तो अब मैंने क्या लिखा है देखो, डिसॉल्व हो चुका है तो एमपी है ही नहीं, तो प्रीवियस स्पीकर साफ सफाई करेंगे, नया आने वाला है, दूसरा मतलब उनको क्या ही काम है। अब सर लोकसभा खत्म हो चुका है, सारे अब सरकार बनाने के प्रोसेस में लगे, क्या करेगा स्पीकर रहेगा। लेकिन हाँ एक घर का होता है ना कि दादाजी तो रहना ही चाहिए। आए नीचे, प्रीवियस स्पीकर आफ्टर डिसोल्यूशन इसलिए रहते हैं ताकि हाउस में कंटिन्यूटी बना रहे। एंड यू कैन से कि रूल वन नहीं लगा, देन जब एमपी नहीं है तो फिर रूल वन कहेगा। बात सही है, जब एमपी नहीं है तो फिर रूल वन का क्या डेमोक्रेटिक मैंडेट का क्या जरूरत पड़ गया। नीचे आइए, दूसरा प्रीवियस स्पीकर, एक लिखा होगा सीनियर मोस्ट और दूसरा लिखा होगा न्यू स्पीकर, दिख पा रहा है? सो सीनियर मोस्ट एमपी विल कंटेस्ट इलेक्शन फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सीनियर मोस्ट जो स्पीकर होगा वही सर इलेक्शन कंटेस्ट करवाएगा स्पीकर के लिए, और किसके लिए? ड्यूप्टी स्पीकर के लिए। जरा नीचे आओ, इट्स नॉट रिक्वायर हेयर कि स्पीकर मेजोरिटी पार्टी मेंबर का ही हो। ये बहुत एक गजब किस्म का है, ज़्यादातर ये जरूरी लोगों को लगता है कि सर स्पीकर जो होगा, सुन पा रहे हो, जो स्पीकर होंगे वो हमेशा मेजोरिटी पार्टी का ही होंगे, ये लोगों को लगता है, बट ऐसा कोई नियम नहीं है। वो अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूजुअली दो काम होता है, स्पीकर होगा मेजोरिटी पार्टी का और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। लेकिन यहाँ कहीं नियम लिखा हुआ नहीं है, जरा वहाँ मैंने देखा है, लिखा है देख लो एक बार, मैंने लिखा है मेजोरिटी पार्टी का ही मेंबर हो
हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर को डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बना दिया जाता है, बट ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि अभी क्या वो लिखा है मैंने कि कन्वेंशन दैट इज ऐसा ही चल रहा है, मतलब अभी का जो ट्रेंड है वो ऐसा ही चल रहा है। देखो मतलब ये ट्रेंड बन गया है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सर डिप्टी स्पीकर क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी को बनवा लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी है उसको डिप्टी स्पीकर बनवा लिया, बात खत्म। अब जरा नीचे आओ, डिप्टी स्पीकर भी अभी प्रेजेंटली डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी है। अबे मैं तब लिखा हूँ जब मैं नोट्स रेडी कर रहा था, ये तब के डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली थी, लेकिन अभी भी पोस्ट अभी भरा नहीं है। अभी जरा एक बार देख लो पहले नीचे, कंक्लूजन दैट्स व्हाई वी से द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल बट इट इज नॉट अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू बी ए पॉलिटिकल। स्पीकर को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं संविधान उधान में लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैंने गवर्नर के बारे में बोला था ना आपको, लिखा नहीं है, लेकिन हाँ उस पद के अकॉर्डिंग आपको रहना चाहिए, बट ऐसा कोई नियम नहीं है कि बेटा आप पॉलिटिकल न्यूट्रल रहोगे। अब जरा एक स्टेप नीचे आओ और ध्यान से समझना, बट प्रेसिडेंट इज ए पॉलिटिकल एंड इफ ही इज ए पॉलिटिकल देन फॉर श्योर ही इज पॉलिटिकली न्यूट्रल, बट स्पीकर इज चूजन फ्रॉम द पार्टी बिकॉज ही इज नॉट ए पॉलिटिकल एंड ही इज द पार्ट ऑफ पार्टी, तभी तो एमपी बना, एंड एमपी वही बनता है जो, मतलब एमपी वही बनेगा, स्पीकर नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि सर प्रेसिडेंट को रहना क्यों जरूरी है? अच्छा स्पीकर अपॉइंटेड है कि इलेक्टेड है? कल ही तो बताया था कि स्पीकर को चुनने में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते हैं, रिमूव करने में भी उसको जब इलेक्टेड जब कर रहे हैं तब दोनों, तो सर नॉमिनेटेड में भी तो क्या होंगे, मतलब जब रिमूव करना होगा तब भी क्या होंगे, दोनों। और मैंने क्या बोला था, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट, सारा प्रोसेस सबका सेम होगा अपॉइंट करने का निकालने का, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, राज्यसभा का तो है ही, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट है भाई, तो उसको हटाने के लिए की इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ लगेगा, इफेक्टिव कहाँ, और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में, तो उसको हटाने का भी प्रोसेस अलग होगा और अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस अलग होगा। सुन पा रहे? तो सर अब नीचे आइएगा, पेज नंबर 160 पे आओगे तो मैंने बोल दिया था राज्यसभा में कहाँ तक सेटिंग, कहाँ तक सीटिंग चलेगा, राज्यसभा में 11 से 5, याद रहेगा आपको, दवाई वाई खाना रहता है। उसके बाद लोकसभा में, अब 11 से 12 क्वेश्चन आर, 12 से क्या 0 आर, फिर 1 से 2 लंच, और 2 के बाद सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, यहाँ तक ठीक है। अब जरा नीचे आओ, मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है, एक स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड भी बता दिया था। स्टेयर्ड क्या बोला था, रिटर्न में कि ओरल में, ओरल जब आप बोल के जवाब देंगे तो स्टेयर्ड, और जब आप लिख के जवाब देंगे तो अनस्टेयर्ड, यहाँ तक ठीक। अब जरा नीचे आइए, उसके बाद अब 0 आर, यहाँ पेज नंबर 160 पे देखना, 0 आर है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो तो आपको बता दिया था। नीचे इन लोकसभा मेजोरिटी पार्टी की जो एजेंडा चाहती है वही डिस्कशन होगा, लोकसभा में क्या बोला था मैंने कि जो मेजोरिटी पार्टी चाहेगा वही डिस्कशन होगा, लेकिन राज्यसभा में ऐसा होगा क्या, नहीं, राज्यसभा में जो इंपॉर्टेंट होगा वही डिस्कशन होगा, क्योंकि पॉलिटिकल मेजोरिटी नाम का चीज कहां चलता है, लोकसभा में, राज्यसभा में पॉलिटिकल मेजोरिटी नहीं चलता है, वहां पे सर सही जो चीज होगा इंपॉर्टेंट वही डिस्कशन किया जाएगा। अब जरा नेक्स्ट, आफ्टर लंच इंपॉर्टेंट बिल डिस्कशन स्टार्ट, लंच के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बिल का डिस्कशन स्टार्ट होगा। जरा नीचे आओ, इन लोकसभा एजेंडा विल बी फर्स्ट डिस्कस्ड एंड स्टार्टेड बाय मेजोरिटी पार्टी बिकॉज लोकसभा यू हैव द मोर एमपी, बात सही है ना, मतलब सर एजेंडा में कौन डिस्कस वही करेगा जिसकी सरकार है। अब जरा नीचे आओ, इन राज्यसभा एनीवन कैन स्टार्ट द डिस्कशन एंड एवरी एजेंडा इज डिस्कस्ड, चाहे मेजोरिटी पार्टी की हो चाहे अपोजिशन पार्टी की हो। तो राज्यसभा में सर ये नहीं होता कि मेजोरिटी पार्टी का ही जो एजेंडा है वही डिस्कशन होगा, लेकिन लोकसभा में ये इंपॉर्टेंट है कि सर किसका डिस्कशन होगा, मेजोरिटी पार्टी का। पेज नंबर 161 यहां से दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाउस के फ्लोर पर कुछ करने का जरिया। मोशन मतलब क्या है, मोशन इज ए टूल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, मोशन एक टूल है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसियर मोशन, अलग अलग अभी मतलब अभी पढ़ाएंगे, बट इसमें 2-3 तरीका है क्या कि मोशन मतलब क्या, एक प्रोसेस, एक टूल जिससे कि आप सरकार को क्या है उससे आप क्वेश्चन पूछ के उसको सरकार गिरा सकते हो, चाहे अगर उसने गलती किया है तो उसको एक प्रोसेस के, लीगली प्रोसेस के माध्यम से आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो। बोलते हैं सरकार को घेरा जाएगा, दिल्ली चलो तो दिल्ली चलो सरकार घेरे तो आम आम लिखा, लेकिन अपोजिशन पार्टी सरकार को कहाँ घेरेगा, अरे आदमी दिल्ली जाएगा ना, संसद में जाएगा थोड़ी बैठ जाएगा। तो सर नीचे आइए, मोशन मेनी टाइप ऑफ मोशन आर देयर बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है उसको करना है। पहला मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन, दिख रहा है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वहां पे दो चीज लिखा हुआ है, देखो एक बियर लिखा होगा, एक बियर लिखा होगा, दिख पा रहे हैं,
तो बियर मतलब भालू भी होता है और बियर मतलब सैना भी होता है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग। तो इसी तरीके से एडजॉर्नमेंट अलग होता है और एडजॉर्नमेंट मोशन अलग होता है। तो सर ये बियर है, ये भी बियर है, एक मतलब क्या हो गए, भालू ना, ये भालू हो गया और ये हो गया बर्दाश्त करना। तो सर एडजॉर्नमेंट क्या बोला था कि जब एक सेशन खत्म हो या सिटिंग खत्म हो, जब एक सिटिंग खत्म हो तो क्या होगा एडजॉर्नमेंट, और एक सेशन खत्म होगा तो क्या प्रोरोगेशन, अब एक पूरा टर्म खत्म हो तो डिसोल्यूशन। तो सर अभी हम यहाँ एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कर रहे हैं, तो एडजॉर्नमेंट बहुत डिफरेंट है किससे, एडजॉर्नमेंट मोशन से। अब जरा नीचे आओ, एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या है, सिमिलरली एडजॉर्नमेंट सिटिंग वाला इज डिफरेंट एंड एडजॉर्नमेंट मोशन इज डिफरेंट। नीचे आओ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, जहां भी मोशन लगा है किसी शब्द के बाद देन इसका मतलब है उस सिटिंग के अंदर उस दिन में क्या हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। सिटिंग के अंदर क्या होगा वो बदल सकता है, बट दिन तो चलेगा ही, सिटिंग तो चलेगा ही चलेगा, बट सिटिंग के अंदर चीज़ें बदली जा सकती हैं। सिटिंग एडजॉर्नमेंट मतलब हाउस आज नहीं कल बैठेगा। देखो दो चीज़ होता, पहले नीचे एक बार नीचे वाला लाइन देख लो, बट एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब जो टॉपिक जो एजेंडा आज डिस्कस होने वाला था उसको डिस्कस होने ही नहीं दिया गया, बट हाउस चलती रही, दैट इज सिटिंग चलती रही। सर आज जो डिस्कशन होने वाला था क्या किया अपोजिशन ने, ऐसा बवाल मचाया कि डिस्कशन उस एजेंडे पे हो ही नहीं पाया। तो एडजॉर्नमेंट मोशन का मीनिंग क्या है कि जो डिस्कस होने वाला था उसको डिस्कस होने नहीं दिया गया। कंक्लूजन में एक बार देख लो, लेट्स टेक एग्जांपल, इफ टुडे इज सिटिंग एंड सपोज ब्लास्ट एट इंडिया गेट, मान लो आज सिटिंग होना था इंडिया गेट पे, क्या हो गया ब्लास्ट, नीचे आइए, बट इन लोकसभा मेजोरिटी पार्टी इज डिस्कसिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, लेकिन लोकसभा में क्या डिस्कस हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और बम फूटाएगा इंडिया गेट पे। नीचे नोट्स में देखो जरा आपको मजा आएगा, देन अपोजिशन सेड कि तुम पागल हो क्या, 1000 लोग मरे हैं एंड डोंट यू थिंक कि डिस्कस करना चाहिए, देन फिर आ जाता है एंड एडजॉर्नमेंट मोशन एंड ए पास हो जाता है, देन सब कुछ अर्जेंट डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगता है। मतलब कहने का ये कि सर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जो डिस्कशन आज होने वाला था वो डिस्कशन आज नहीं हुआ, उसके जगह कुछ और डिस्कशन हो गया, तो सर उसको क्या बोलेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। मतलब आपने अच्छा इलीगली किया कि इलीगली किया, लीगली किया, आपको पता था कि इंडिया गेट पर सर बम फूटा है, इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करोगे। अब जरा नीचे आ जाओ, दूसरा सेंसियोर मोशन, मोशन के चार टाइप, पहला मोशन क्या एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होगा एक ही लाइन याद रखना, जब सिटिंग को जो एजेंडा डिस्कस होने वाला था उसको डिस्कशन होने नहीं देना तो क्या बोलेंगे सेंसियोर मोशन, एडजॉर्नमेंट। नीचे दूसरा सेंसियोर पे आओ, सेंसियोर में आया कि सर टू स्टॉप द मिनिस्टर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द हाउस, कभी कभी क्या होता है इतना ज्यादा अपोजिशन का आता है कि सर वो आप क्या करते हो, दो चीज, आपने मिनिस्टर को अंदर आने नहीं दिया, आप हाउस में बैठने नहीं देते हो, जैसे आपने क्या किया हाउस में बैठने दिया नहीं, क्यों, क्योंकि सर आपने चावल घोटाला किया था। तो अपोजिशन पार्टी या सभी लोगों ने इतना बवाल मचाया कि सर आप अंदर आ नहीं सकते। जरा नीचे देख लो मैंने लिखा है, दैट इज चावल घोटाला हुआ, मान लो फूड मिनिस्टर को हाउस में बैठने से ही मना कर दिया गया, अब आप सर घोटाले में संलिप्त थे, तो सर दो चीज, एडजॉर्नमेंट मोशन में एजेंडा डिस्कस नहीं होने दिया गया, सेंसियर में क्या हुआ आपको मंत्री जो उस रिलेटेड उनको बैठने ही नहीं दिया गया, ये दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो एडजॉर्नमेंट एजेंडा को नहीं डिस्कस होने दिया गया, सेंसियर में क्या मंत्री जी को बैठने नहीं दिया गया। नीचे आओ, थर्ड स्पीकर, 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 बिल्कुल, ये सारा जो भी देखो इंटरनल हाउस जो भी होगा वो सब हाउस के मेंबर, हाउस के हेड कौन है स्पीकर, सब वही डिसाइड करेगा, बाकी टर्म को खत्म उत्तम करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाओगे, छोटा मोटा बात के लिए प्रेसिडेंट के पास क्यों जाओगे तुम। नीचे आओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट लायक, नो कॉन्फिडेंस में क्या बोला कि हमको पूरा मंत्री पे भरोसा नहीं है, पूरा हाउस से खत्म करो, मेरे पास समझ में आ रही है, जैसे सरकार गिरा दिया अभी महाराष्ट्र में हो गया ना, तो सेम वही चीज हुआ, क्या बोला कि हमको उद्धव ठाकरे के सरकार के चोचले पे भरोसा, तो सब उठाया बोरिया बिस्तर पहुंच गया और क्या किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लग जाएगा तो कोई भी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि सर कैबिनेट में सरकार की बहुमत ही नहीं रह गई, अब जैसे ही हुआ क्यों, कोई भी रीजन हो सकता है, इन्होंने क्या बोला कि पूरा सर करप्ट है सब, अगर सारा कैबिनेट ही करप्ट हो गया तो कौन अच्छे हैं हम, तो सर हम अच्छे हैं तो हमने क्या किया उसमें से मिलाया और जाके बना लिया। तो तीन वर्ड इधर, पहला कौन सा मोशन, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या जिसमें एजेंडा डिस्कस नहीं होने दिया, सेंसियर क्या मंत्री जी को बैठने नहीं दिया गया, और तीसरा पूरे
मतलब पूरे जो मेजोरिटी पार्टी के पूरे कैबिनेट को ही बैठने नहीं दे गया और सरकार सीधा धड़ाम से गिर गया। नीचे आओ, दैट इज पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लायक नहीं है सरकार बनाने के लिए, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। सुन पा रहे हो? अब आ जाओ, आ जाओ, तो नालायक हो गए अब। पेज नंबर 162, नो कॉन्फिडेंस इज अप्लाइड वेयर मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है। नो कॉन्फिडेंस इज अप्लाइड वेयर मेजोरिटी का, मैंने क्या लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में लगे कि लोकसभा में, लोकसभा में मैंने क्या बोला, जहां पे सिर्फ पॉलिटिकल मेजोरिटी नाम का चीज, अरे राज्यसभा में पॉलिटिकल मेजोरिटी का थोड़ी चीज है, वहां तो सर परमानेंट, उनसे क्या मतलब है। तो सर कहां ज्यादा वोट उठ का ज्यादा ज्ञान कहां होगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में? जब लोकसभा में होगा तो सर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वही लगाओगे ना, इसको राज्यसभा वाले को कायला मिल का लो भाई, परमानेंट मेंबर है, 5 बजे दवाई खाता है बेचारा, दिन भर काम करता है अपना, उसको निकाल के क्या करोगे, निकालोगे उसका ना जो सरकार में आ गया हो। उसके बाद नेक्स्ट, मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट तो लोकसभा में है, राज्यसभा में है ही नहीं, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अप्लाइड इन लोकसभा वेयर पॉलिटिकल मेजोरिटी कॉन्सेप्ट इज देयर। सिमिलरली एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसियर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तीनों भी क्या है, सरकार से आप सवाल पूछते हो ना, सरकार पे है तो कहाँ लगेगा ये, लोकसभा में। वहां देखो एक नोट्स बना के लिखा होगा, तीनों एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसियर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा ओनली, लगा के मत जाना वहां राज्यसभा में, ठीक है? तो सर कहाँ लगेगा ये सारा का सारा, लोकसभा में। नीचे आओ, नॉट इन राज्यसभा बिकॉज ऑफ रूल 2 एंड राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, और एक और लाइन है परमानेंट बॉडी है। उसके बाद ये तीनों को तीनों ओनली लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी से तीनों मोशन पास हो जाएगा। सो सिंपल मेजोरिटी से तीनों क्यों पास होगा, क्योंकि सर आप सोच के देखो ना, मैंने क्या बोला था, जो भी कानून है जो भी पास कराओगे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कौन सा मोशन, मतलब कौन सा मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। अरे सब सिंपल मेजोरिटी का ही काम है सर, दूसरा कोई मतलब नहीं है। नीचे आ जाओ, गवर्नमेंट डिजॉल्व और फॉल बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली। याद रखिए, सरकार तभी गिरेगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा। एडजॉर्नमेंट मोशन पे नहीं गिरा दोगे, सेंसियर मोशन पे भी नहीं गिरा दोगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब इंटायर कैबिनेट पे भरोसा नहीं है, सरकार गिर जाएगी। ये नहीं लगा क्या ना, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मोशन इसमें सरकार गिराएगी, आप लगा देना सारा मोशन। नीचे आइए, गवर्नमेंट कांट बी डिसॉल्व और फॉल बाय एडजॉर्निंग मोशन और सेंसियर मोशन। तो गवर्नमेंट को कभी भी आप गिरा नहीं सकते, कौन मोशन पे, एडजॉर्नमेंट या सेंसियर। जरा नीचे आओ, माइंड मैप में क्या लिखा है उसको देख लो। इट इज लाइक अगर आपने बेड अरेंज नहीं किया तो डांट खाया, जैसे घर में आप हैं तो। उसके बाद क्या है, अगर आपने खाना गिराया तो मार खाया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो सीधा घर से बाहर, मतलब कि घर में आना जैसे, तो घर से अब वही है, पापा और मम्मी क्या करते, जब तक आप ठीक है, मतलब खाना होना ये तब तक ठीक है, अगर सर उतना बड़ा कांड क्या, पापा चल निकल बार बार बार, ठीक है? नीचे आओ, उस दिन को चलाना या नहीं स्पीकर विल डिसाइड, सेशन चलाना या नहीं प्रेसिडेंट विल डिसाइड। ऑलरेडी आपको पता है सेशन का डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट, सिटिंग और एजेंडा का डिस्कशन कौन लेगा, स्पीकर, हाउस के अंदर का सारा। पेज नंबर 163 पे आओ, और मैंने आपको दो तीन चीज बता दिया, मोशन का टाइप कितने हो गए, बोलो जरा, तो एडजॉर्नमेंट, सेंसियर और नॉन, नो कॉन्फिडेंस, इसमें कोई दिक्कत नो सर। नीचे आओ, अब 163 पे आना कि सर कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, उसका पूरा डिटेलिंग इंपॉर्टेंट समझ में आ जाओ। हम लोग एक ही बात जानते हैं, प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा एक्ट वह बन जाएगा, बट इतना आसान नहीं है, उसके पीछे और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्विक देखेंगे थोड़ा और उसके बाद समझेंगे। बहुत ईजी है, दिमाग में डाल देता हूँ, बट ए प्रोसेस याद रखने, क्वेश्चन पूछता है हाउ ए बिल बिकम्स एक्ट, डिस्क्राइब इट प्रॉपरली, मेंस में पूछता है ये, तो थोड़ा समझना नीचे। पहली बात ये कि सर बिल कैन बी क्लासीफाई ऑन मेनी वेज, मैंने लिखा है बिल को हम लोग बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, क्या वो बिल, क्वेश्चन वन दिख रहा है, इज दैट बिल अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो क्या वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। नीचे आओ, फर्स्ट वे टू क्लासिफाई द बिल इज इंपैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वही बात है कि क्या वो जो बिल पास हो रहा है उससे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। दूसरा, पर्पस ऑफ बिल, दिख पा रहा है? मतलब सॉरी, हु इज इंट्रोड्यूसिंग इट, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट मेंबर की प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट बिल है कि प्राइवेट बिल है। जरा देख लो, गवर्नमेंट बिल इज दैट बिल विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट इन द हाउस, और मैंने कल बोला था कि बिल प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट वाले भी दे सकते हैं, पास होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट आप दे तो सकते हैं। सुन पा रहे हो सब? अब आगे, प्राइवेट बिल, एनी एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस अ बिल इज ए प्राइवेट बिल।
अब यानी कोई भी एमपी है जो मंत्री है नहीं बट उसने भी अपना सर प्रपोजल दे दिया, जरा नीचे आ जाओ, आम आदमी भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी का सुझाव भी तो सर एमपी हो उसके थ्रू ही होके जाएगा ना। हमने अपने एमपी को बोला कि आप ऐसा बिल पास कराइए ना जनाब जहाँ से हमारे हैंडपंप आ जाए, मान लो खेतों में आ जाए ये मशीन, तो आप अकेले जाएंगे तो संसद में पास कराओगे नहीं, तो आपके लिए क्या बोले एमएलए एमपी, तो आपने उनको दिया वो लोग फॉरवर्ड कराए, बट कहने के लिए वो बिल पास हो गया, लेकिन नियम किसने दिया था सजेशन, आप ही ने दिया था ना, तो कॉमन इंसान ने दिया था पास, तो बिल्कुल लॉ पास कराने का तो एक ही के पास है, पार्लियामेंट के पास, लॉ पास कराने के लिए किसके पास अधिकार है ही नहीं, सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अब पेज नंबर 163, तो यहां से जो शुरू कर रहा हूं अभी तक जो पढ़ाया हूं ध्यान से सुन लो और फिर वापस तेज में करेंगे प्लीज। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सर कितने सारे मोशन हो गए, तीन, पहला मोशन एडजॉर्मेंट, दूसरा सेंसियर, तीसरा नो कॉन्फिडेंस। तो एडजॉर्मेंट मतलब क्या, जब एक एजेंडा को डिस्कस होने नहीं दिया जाए तो कौन सा मोशन, एडजॉर्मेंट, जब अगर उसके बाद मंत्री जी को ही बैठने नहीं दिया जाए सेंसियर, और जब पूरा कॉन्फिडेंस ही ना रहे कैबिनेट में, नो कॉन्फिडेंस। अब यहां मैंने बोला बिल कैसे क्या बनेगा, लॉ, आइए नीचे, तो बिल जैसे ही एक्ट और लॉ दोनों बोलो, लॉ तभी बनेगा जब वो एक्ट प्रेसिडेंट का साइन होगा, तो लॉ बोलिए या एक्ट बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, पर्पस ऑफ बिल, अब बिल पास कराया तो उसका पर्पस क्या है, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि सर क्या संविधान को असर करेगा कि नहीं, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, और तीसरा बिल का पर्पस क्या है, नियत क्या है। नीचे आइए, तो सर पर्पस ऑफ बिल कैन बी लाइक एनीथिंग, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले नोट, कोई भी बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करता हो वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस ऑल बिल एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368। ये तो आप कॉमन बात दिमाग में भी रखना है, सर कोई भी प्राइवेट आदमी बिल पास करा सकता है, मतलब वो अपना प्रपोजल दे सकता है, सिवाय किसके, ये नहीं बोलेगा कि संविधान में संशोधन करवा दीजिए, वो सर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 पहले भी बताया था आपको, तो सर 368 में क्या होता है, संवैधानिक संशोधन का अधिकार है, पार्लियामेंट कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट आदमी नहीं कर पाएगा कि सर संविधान बदल दीजिए। नीचे आइए, कैन ए प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बाय द वे, मैंने मनी बिल, फाइनेंशियल बिल ये सब पढ़ाया था मैंने पहले शुरुआत के बेसिक में ही, जब न्यू आइडिया बोला था, न्यू आइडिया प्लस मनी, जब मनी से रिलेटेड बात हो सिर्फ तो क्या मनी बिल, पैसा से रिलेटेड, जब आइडिया से रिलेटेड बात हो तो कौन सा मनी, ऑर्डिनरी बिल, और जब आइडिया न्यू आइडिया प्लस मनी बिल हो तो क्या होगा, फाइनेंशियल बिल। अब जरा नीचे आओ, नेक्स्ट, तो कैन प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, क्या प्राइवेट मेंबर मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सर पहला है यस, देखो क्या लिखा है मैंने, ऑफ कोर्स देश का पैसा है, हम चाहते हैं कि यहाँ खर्चो वहाँ खर्चो, तो हमारे ही तो टैक्स जाता है, तो कहाँ नहीं दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। नीचे आ जाइए, ऑलरेडी ऐसा हो चुका है एमपी सैलरी बिल जो प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था, अब एमपी की सैलरी बढ़ाने घटाने वाली बात है, खुद ही बोला लो कि एमपी लोग का हमसे काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा 1-2 करोड़ बढ़ा दिया जाए, तो मतलब एमपी के सैलरी को बढ़ाने के लिए खुद उन्होंने प्रपोज किया, तो प्राइवेट मेंबर ही है ना वो, गवर्नमेंट मान लो मंत्री तो थे नहीं हो, तो उन्होंने नॉर्मल प्रपोज कर लिया कि सर एमपी के आरोप पास भी हो गए। नीचे अपना मलाई तो पास हो ही जाएगा, बीजेपी की जब तक सरकार है तब तक प्राइवेट मेंबर ऑफ बीजेपी कांट इंट्रोड्यूस ए बिल बिकॉज ऑफ अपोजिशन, क्योंकि वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा देंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार है तो बार बार अगर प्राइवेट मेंबर ऑफ बीजेपी अगर करेंगे, अब मान लो जेपी नड्डा है, तो जेपी नड्डा क्या है, बीजेपी के साथ अध्यक्ष है ना, पार्टी के हेड है वही ना, है ना वही है, पहले कौन थे, अमित शाह थे। तो सर अब जेपी नड्डा जो हैं अगर, तो जेपी नड्डा अगर मान लो बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा बिल पास करा दो अपने फायदे में, तो सर जाइस बैठा अपोजिशन बैठा कि मैं मुंह उठा के इसीलिए बैठा है क्या कि बेटा अगर तुम अपने मनमानी करोगे तो हम है ना, सर अपोजिशन का याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा हुआ है, जितना इंपॉर्टेंट मेजोरिटी पार्टी है उतना ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी रोकती है कि सर बेटा ज़्यादा तेज नहीं बनो, हम भी हैं इधर, ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे मिनिस्टरों को अपने में मिला के सरकार बना लेंगे जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। सुन पा रहे हो मेरी बात, नीचे आओ, पेज नंबर 164 देख लो जल्दी, हाउ ए बिल बिकम्स आरटी एक्ट, पहला लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आरटी एक्ट, कर लो
मैं बोल रहा हूँ कि डिस्कशन नहीं करो, ज्यादा पढ़ाना है तो समझो ध्यान से। मान लो कोई बिल है, उस बिल को आप क्या बनाना चाहते हो, एक्ट। तो बिल को अगर एक्ट बनाना चाहते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आरटी। आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन को मान लो मैंने लिया कि एक बिल था पहले, अभी एक्ट नहीं बना है। एक्ट कैसे कैसे बना होगा, ठीक है, जल्दी से क्विक देखते जाओ। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले, और पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या बोलते हैं, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब अलग कर दिया गया, अब शिक्षा मंत्रालय पूरा अलग हो गया। तो सर, अपॉइंटेड ए कमिटी टू ड्राफ्ट ए बिल। इन्होंने पहले एक बिल को ड्राफ्ट किया होगा, किसने, मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बिल ड्राफ्ट किया इन विच एजुकेशनल एक्सपर्ट पीपल, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, आप लोग सब मिलके एक बिल बनाया आप लोगों ने कि सर ऐसा बिल होना चाहिए। जरा नीचे आइए, पहला बिल जैसे ये ड्राफ्ट हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्राफ्टेड ए बिल, देन दिस ड्राफ्ट विल गो टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एट एनी कॉस्ट। कोई भी बिल, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे जो है लॉ एंड जस्टिस, वो जाता है। कारण क्या, सबसे फर्स्ट देखो, पहली बात ये, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विल चेक दैट क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन तो नहीं है। सर पहली बात तो कि संविधान में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जा रहा है। दूसरा चेक करेगा, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जिस्टिंग लॉ और नॉट। दूसरा ये पूछा जाएगा कि क्या अभी जो लॉ है और जो लॉ अभी आने वाला है, इन दोनों में कोई विवाद तो नहीं होगा। सुन पा रहे मेरी बात? सर ये हर लॉ को चेक करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ कर देगा तो हो गया सारा तमाशा। दूसरा क्या कि पहले से एक लॉ था, ऊपर से आपने ऐसा लॉ बना दिया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये दोनों पॉसिबल होना नहीं चाहिए। अब जरा नीचे आइए और समझिए। तो सबसे फर्स्ट, उसके बाद देखिएगा फाइनल ड्राफ्ट, उसके बाद जब मान लो बिल बन गया, ठीक है, दोनों जगह चेक हो गया, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल कहाँ जाएगा, सेक्रेटरी के पास। तो सर लोकसभा के सेक्रेटेरिएट के पास मान लो सबमिट करते हैं, अगर लोकसभा में पास होना है तो जनरली पहले तो लोकसभा में पास करा ही लेगा लोग, उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे भी राज्यसभा सेक्रेटरी के पास चला जाएगा, देन सेक्रेटरी टाइम दे देते हैं कि इस बिल को इस दिन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको टाइम मिल जाएगा कि ठीक है बिल हो गया, आप इतना अपना इस तारीख को इंट्रोड्यूस। सो ये सारी कहानी पार्लियामेंट में पहुँचने से पहले तक की है, मतलब आपने बिल एक ड्राफ्ट कर लिया। अच्छा, ड्राफ्ट करने से पहले चेक किया कि नहीं किया? चेक किया, चेक कर लिया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और दूसरा पहले जो लॉ है उसमें से कोई छेड़छाड़ ना किया हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नीचे, अब जैसे ही जाएगा ये, तो पहला रीडिंग होगा, फर्स्ट रीडिंग। याद रखिएगा, अजीव मेट की हम लोकसभा में पास कराना चाहते हैं, फाइनल ड्राफ्ट डिवाइडेड इनटू थ्री रीडिंग। पूरा फाइनल ड्राफ्ट तीन रीडिंग में डिवाइड होगा। पहला रीडिंग देख लो, फर्स्ट रीडिंग इन लोकसभा, एजुकेशन मिनिस्टर उस बिल को पढ़ेंगे, लोकसभा में एजुकेशन मिनिस्टर उस बिल को पूरा पढ़ेंगे, और वाई दिस बिल इज ड्राफ्टेड इन ऑल ब्रॉड समरी, सब कुछ वो अपना बताएंगे उस बिल के बारे में कि सर हम इस बिल को क्यों ला रहे हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा कुछ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में। जरा नीचे आओ, सो एज वी हैव डायरी टू नोट डाउन डिफरेंट टास्क, सिमिलरली गजेट ऑफ इंडिया। अब जो भी इस बिल में डिस्कशन हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है और उसको कराया जा रहा है, तो गैजेट ऑफ इंडिया में उस बिल के सारे प्रावधान उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि आज इस तारीख को, जैसे आपका डायरी आपने नोट कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सेम, हाँ, तो सेम आप गैजेट ऑफ इंडिया क्या है, एक डायरी जिसमें आपको क्या बताया गया कि सर आज इस नया बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, इस नया बिल में ये है, वो गैजेट ऑफ इंडिया में चिपका दिया गया। अब जरा नीचे आओ, गैजेट ऑफ इंडिया में एंट्री हो जाती है कि आज बिल का डेट इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट। सो फर्स्ट रीडिंग इज ओवर, आप चाहो तो हाउस एडजॉइन करो एंड ऑल, ये आप पे है। बट पहला रीडिंग में क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद बताया कि इस बिल में क्या है क्या नहीं। सुन पा रहे हो? अच्छा, कोई भी बिल बनता है तो उसमें आईएएस ऑफिसर्स का रोल होता हुआ कि नहीं? Yes, बहुत होता है। अरे वही तो है सर सारा का काम। अब सेक्रेटेरिएट बोल रहे हैं सब क्या है। अब जरा आओ नेक्स्ट पेज नंबर 165, पहला रीडिंग खत्म। अब आओ दूसरी रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, यू कैन डिस्कस एनीथिंग एज यू विश। पहली बात, लाइक सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन। अब आप पूरा चाहो तो उस बिल का एक एक पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन कर सकते हो, या नहीं भी, या मोटा मोटी भी बताया जाता है। वैसे पहले उसका क्लियर कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया जाता है, बट फिर भी पहला हो। देन यू कैन सेंड दिस बिल टू एनी कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, लोकसभा, मतलब अगर लगता है कि सर इस बिल में आपको लग रहा है कि और भी कुछ चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं, या हटाई जा सकती हैं, तो आप कमेटी को देंगे। किसको देंगे? कमेटी को। अब जरा नेक्स्ट नीचे आइए, इंपॉर्टेंट इज कि आफ्टर सेकेंड रीडिंग फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग मस्ट बी रेडी। मतलब सेकेंड रीडिंग में पूरा जो बिल है वो ड्राफ्ट हो जाना चाहिए,
अब कोई बचा हुआ नहीं होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या होगा, आइए आप वोट कीजिए, पास कराइए और फिर फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाउस। हेलो, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ, आपने क्या किया, पूरा एजुकेशन मिनिस्टर ने पूरा डिस्क्राइब किया। सेकेंड रीडिंग में क्या किया आपने, बिल को ड्राफ्ट करके कमिटी, सारा कुछ जो बचा हुआ है सेकेंड रीडिंग तक हो जाना चाहिए। और थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में क्या है, फाइनली आपको सिर्फ बस मेजोरिटी से पास कराइए और उसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि सर पहले हो गया, मान लो अब नहीं होते शादी में, पहले हुआ क्या, एक बोलते हैं छेका हुआ, क्या बोलते हैं, छेका बोलते हैं ना, छेका ही होता है, छेका मतलब क्या होता है कि छेक लिए मतलब छेक लिए इन द सेंस कि सर अब आप हमारे कब्जे में आ गए, ऐसा होता है ना, तो उसको इंगेजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इंगेजमेंट टाइप ही होगा वो भी, इंगेजमेंट भी वही हो गया, दूसरा क्या, इंगेजमेंट मतलब तो ही हो गया, वो भी छेक लिया, दूसरा क्या कि अभी क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुआ इंगेजमेंट, अभी शादी हुआ नहीं है बेटा, फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग, मान लो तिलक हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी। सर समझ लो, याद कर लो बस, तिलक में भी क्या पता, कोई चीज़ कुछ भी हो सकता है, अच्छा शादी में भी कुछ भी हो सकता है, पता चला आप बैठने का लड़की भाग गई बहुत कुछ हो सकता है, तो मूवी है शादी में जरूर आना, तो सर कुछ भी हो सकता है, समझ रहे, उसके बाद क्या पता कहीं लड़का भाग जाए अब दोनों, लेकिन यूजुअली ज़्यादा भागेगी कौन, ये देखो भाई तो अब तुम लोग क्या है, अब तुम लोग अगर अच्छे से उसको नहीं प्यार करोगे तो लड़की ना भागेगी भाई। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। तो तीन रीडिंग हो गया, सुनो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग खत्म। अब सर बिल पूरी तरह इधर लोकसभा में पास हो गया, अरे लोकसभा में पास काहे नहीं होगा, सरकार है, मेजोरिटी उसकी है, पास करा लिया, जैसे तैसे एग्रीकल्चर बिल में वॉइस वोट से पास करा लिया गया तो नहीं, अब पास हो गया, सुनना यहाँ से, जैसे ही बिल पास हुआ अब दो चीज होगा, एक राज्यसभा में भी पास कराना है, राज्यसभा को 14 दिन का मोहलत मिलता है, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उस बिल पे कोई जवाब नहीं दिया तो कोई बाइंडिंग नहीं है, 15वां दिन ऑटोमेटिक वो बिल पास हो जाएगा, बस वो फॉर्मेलिटी है। अच्छा कुछ लोगों को लगता है सर तो इकाले देते हैं जब पास ही हो जाना है, तो सर याद रखो वो एक छोटा सा प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दबाव तो रहता ही है, मेंटली प्रेशर कि पता नहीं राज्यसभा वाला कुछ तोड़फाड़ ना करे, हालांकि बाइंडिंग नहीं है, मैंने क्या बोला, बताना ये जरूरी नहीं है आपको पापा जी को कि सर आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो कहीं घर से बाहर, तो आप मान लो निकल गए, आप पापा को बताना ये जरूरी, नियम थोड़ी है, नियम नहीं है कि पापा को आप बता के जाओगे, लेकिन सर अगर ये नियम थोड़ा सा भी है कि जाने से पहले बस आगे नहीं पानी दो मिनट में नहीं बोलते हैं आगे नहीं, तो ये जो आगे नहीं दो मिनट है वो जो प्रेशर है ना वही आपको तो रोकता है, आप समझ पा रहे हो, जैसे मम्मी को बोले मम्मी बस आ गए 5 मिनट में, ये जो बोलने का तरीका है ये आपको रोकता है, ये कंपलसरी थोड़ी है आप पे, लेकिन आप जो बोलने से पहले सोचते हो जाएं कि ना जाएं, तो ये जो है सेम यही राज्यसभा के साथ है, राज्यसभा पर कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन राज्यसभा का ये जो प्रोसेस है उसको प्रेशर हमेशा लोकसभा पे रहता है कि बेटा पता नहीं कुछ हो सकता है, तो 14 दिन तक जवाब नहीं दिया राज्यसभा ने, ऑटोमेटिक 15वां दिन ये बिल पास हो जाएगा। अब जरा नीचे आ जाओ, तो सर नीचे आएंगे वहां देख लीजिए, सो इस बिल को अब मैंने लिखा थर्ड रीडिंग में वोट करिए, एग्जाम में नहीं आता जनरली, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना है जरूरी है कि कोई बिल एक्ट कैसे बनेगा। अभी सर मैंने बोला था आपको बहुत पहले, याद करो मैंने बोला था अभी बवाल होना है, लेबर कोड बिल आएगा, ज्यादा दिन नहीं अभी, रुक जाओ 2-3 दिन, अभी एक नया बिल आने वाला है और उस पर भी होगा भयंकर बवाल, मतलब अब जिसको करना है वो करेगा, उस बिल को पहले समझ के बवाल करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हर बिल पास कराने के बाद जब लॉ बनता है तो बवाल होता ही है, थोड़ा बड़ा होता ही होता है, अब ऐसा थोड़ा सा ट्रिपल तलाक जैसा इतना अच्छा मान लो अगर बिल पास हो गया उसमें भी बवाल हुआ, जो इतना हर बिल पे देखो अपोजिशन पार्टी का काम ही है क्या बवाल, काम हुआ है नहीं कुछ, क्या करना है बवाल, जो सही चीज होगा उस पर डिस्कशन नहीं करेगा वो, जब बेकार बेकार चीज होगा वो डिस्कशन करना शुरू कर देगा। नीचे आइए, सबसे पहले सो बिल को बनाना है, पास कराने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों की मर्जी होनी चाहिए, बिल उसके बाद राज्यसभा को प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, मतलब राज्यसभा लोकसभा से दोनों पास हुआ प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने साइन किया बिल क्या बन गया, लॉ बन गया या एक्ट बन गया। नीचे आ जाओ, अब बिल पार्लियामेंट एक्ट ये सब दिख रहा है वहां पे, प्रेसिडेंट साइन जब तक नहीं करेगा तब तक एक्ट बन पाएगा क्या, नहीं सर, इसलिए तो बोला था पार्लियामेंट मतलब तीन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, नहीं तो सर ये तीनों में से कोई एक छूटा लॉ नहीं बन पाएगा। अब जरा नीचे आओ, सो लोकसभा एंड राज्यसभा पावर विल नॉट बी सेम, लोकसभा राज्यसभा का पावर सेम कैसे होगा, बिकॉज रूल 2 सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स, एंड देन उसके बाद नीचे आइए, अब सर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और डेटाबेस टू एक्यूरेटली मेजर करना है इकोनॉमिक फाइनेंस और क्या क्या, देखो पहली बात, एक बात आप सोच के एक बात बताओ कि अगर
ऐसे ऐसे हम लोग डेटा को क्लासिफाई करें जिसमें धर्म, जाति, कास्ट इस नंबर पे हो, तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। एक ऐसा डेटाबेस तैयार करने का एक बहुत अच्छा फैक्टर है क्या, इकोनॉमिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और काम हो सकता है। सुन पा रहे हो? जैसे मान लो अगर सैलरी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया तो बहुत लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर जाति के बेसिस पर डिवाइड किया गया तो सर आपको पता है दंगा फसाद होना है। तो डेटाबेस तैयार करने का एक पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका है, क्या, इकोनॉमिक। इकोनॉमिकली करोगे किसी को कोई बुरा भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। नीचे आओ क्विक। तो टेक जेंडर, मैंने बोला क्लासिफिकेशन डेटा इकोनॉमिक बेसिस पे होगा। इफ वी टेक जेंडर बेसिस, अगर हम जेंडर बेसिस पे ले तब और बवाल होना है सर। उसके बाद नीचे जेंडर समझ रहे ना? ठीक। मे सम, और उसके बाद मे सम पीपल येट नो दैट देयर जेंडर इज सो ऑल फैक्टर्स मे बी पीपल डोंट। ये पूरा खत्म करो, सीधा नीचे आओ। कंक्लूजन में देखो, इकोनॉमिक फाइनेंस क्राइटेरिया से वी कैन सेग्रीगेट और डिस्टिंग्विश मेनी थिंग। हम लोग सर इकोनॉमिक फैक्टर से बहुत सारे चीज को अलग कर सकते हैं। तो मेन पूरे वर्ल्ड में होता है। सुन पा रहे हो सब? मैं इसलिए बोला हूँ बस अलर्ट रहना, थोड़ा भी इधर उधर गया दिक्कत हो जाएगा, मैं एकदम जाऊंगा फ्लो में, इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी। नीचे आओ। अब उसके बाद अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इंपैक्ट करता है नहीं, फर्स्ट बिल वहां देखो ओरिजिनल बिल लिखा है। ओरिजिनल बिल को ऑर्डिनरी बिल समझो। ओरिजिनल बिल में क्या लिखा है? न्यू आइडिया है आपके पास। दूसरा मनी बिल में क्या बोला? मनी से रिलेटेड बात। और तीसरा फाइनेंशियल बिल, न्यू आइडिया प्लस मनी। अब मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया था कि सर हाँ, जैसे जज का आपको नया जज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ जज बढ़ाना है, नया आइडिया प्लस उनको तो सैलरी भी देना पड़ेगा, तो प्लस वो भी पैसा, तो ये दोनों बिल क्या होगा? फाइनेंशियल बिल। कमाल की बात यह है कि जो मनी बिल है उस मनी बिल में किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हस्तक्षेप करेगा, किसी को भी नहीं। मतलब मनी बिल अगर है वो सिर्फ लोकसभा जैसे चाहे वैसे उसको मूल्ड कर लेगी, प्रेसिडेंट भी इनफैक्ट मनी बिल को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। खैर नेक्स्ट पेज पे आ, 166 मनी बिल दिख रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, देखते जाना क्विक। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में पूरा दिया हुआ है कि कौन सा चीज कहाँ है, कितना खर्च करना है, क्या करना है, कौन सा चीज मतलब मनी बिल होगा, कौन सा मनी बिल नहीं होगा। नीचे आओ। आर्टिकल 110 में दो तीन चीज और लिखी हुई है कि टैक्स का जाना, टैक्स का प्लस, टैक्स का माइनस, प्लस CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक है COFI। इन दोनों में फर्क है समझ लो, CFI और एक है आपका COFI। ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ये है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। समझना दोनों में फर्क पहले समझ लो, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सिर्फ पार्लियामेंट ही खत्म नहीं होगा, आपको बहुत सारे छोटे छोटे जो CFI COFI है सबका सब पढ़ के खत्म करना है, इसीलिए दिमाग में रखिएगा। तो ये CFI देखो, पैसा अगर एक रुपया भी आया या एक रुपया भी गया तो सर उस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पूरा का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। एक रुपया आया चाहे एक रुपया गया हो किसी भी माध्यम से, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या है, यह इमरजेंसी के लिए पैसा रख लिया जाता है, जिसमें आपको ये जरूरी नहीं है, इधर अगर आप CFI से कुछ भी पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको परमिशन लेना कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पड़ेगा। आप इमरजेंसी के समय यूज कर लिए और बाद में फिर आप पार्लियामेंट को बता दिए कि सर ऐसा हुआ है, लेकिन पहले इसमें बिना पार्लियामेंट को बताया पैसा निकाल नहीं सकते। बाकी और डिटेलिंग नीचे आओ। पहले दो बेसिक डिफरेंस समझ लो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हर चीज का हिसाब किताब होगा, देना पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में दो चीज होगा, क्या, COFI में होगा कि सर आप पैसा इमरजेंसी में जरूरत थी आपने निकाल लिया, पार्लियामेंट को आपने बाद में बता दिया, ठीक है, बाद में हो गया, लेकिन CFI से निकालने के लिए आपको बार बार परमिशन की जरूरत है पार्लियामेंट की, और प्रेसिडेंट परमिशन जब मिलेगा तभी पैसा निकालो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो। तो खैर मनी बिल में आओ, आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, सुन पा रहे हो सब? इन मनी बिल लोकसभा बड़ा होगी राज्यसभा, आप सोच के देखो कॉमन सेंस से, पॉलिटिकल मेजोरिटी कहाँ है लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा में हो जाएगा परमानेंट हाउस, असर कुछ करेगा ही नहीं हो, वो सोचेगा ऐसे भी हमको कुछ नहीं कर सकता, बोलेगा पास नहीं करेंगे पैसा। नीचे आओ। दिस इज द फीचर ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल में पहला बात क्या, लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा। अब जरा नीचे आओ, स्पेशल फीचर ऑफ मनी बिल दैट इज आर्टिकल 110। तो मनी बिल का स्पेशल फीचर क्या है, आर्टिकल 110। अब उसमें क्या है, नीचे आओ। पहली बात, स्पीकर गिव सर्टिफिकेट, स्पीकर सर्टिफाइड दैट इट्स अ मनी बिल। पहली बात तो ये डिसाइड होता है कि सर ये बताया जाए कि ये बिल मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है। अच्छा, कुछ कुछ बिल में ऐसा बात होता है जिसको स्पीकर बोल लेता है कि ये मनी बिल है, लेकिन वो मनी बिल होता नहीं है, बहुत छेड़छाड़ हुआ है इसमें। जैसे कोई बिल पास कराना है उसको मनी बिल के आड़ में अब स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल था क्या
कि नहीं था। अगर स्पीकर ने कुछ ऐसे बिल को बोल दिया कि ये मनी बिल है, अब मनी बिल जब हो गया सिंपल मेजोरिटी से पास करा लिया जाएगा, उसमें कोई लांग लपट नहीं है और राज्यसभा भी कुछ कर नहीं पड़ पाए, मतलब वहां पर कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो सर ये भी यहाँ पे भी थोड़ा भेदभाव होता है, बहुत सारे बिल में हुआ भी है, देखेंगे भी। नीचे आइए, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एंड देन, अब प्रेसिडेंट भी रिकमेंड कर दिया कि ठीक है, देन दूसरा दैट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा। तो पहला बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा। नीचे आओ, राज्यसभा हैज ओनली 14 डेज टू गिव रिकमेंडेशन ऑन बिल, अगर 14 दिन के बजाय 15 दिन कर दिया तो फिर अपना रिकमेंडेशन अपने पास रखो, यहां पे सीधा बिल क्या होगा पास करा दिया जाएगा। नीचे आइए, अब है सर फाइनेंशियल बिल, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बिल में देखो क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर टू पार्लियामेंट टू डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ जज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया कि आप डिसाइड करिए कि देश में कितने जज होने चाहिए। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट में अगर 31 जज हैं और 31 जज से सारे का सारा काम नहीं हो पा रहा, निपट रहा है, तो आपने क्या बोला, पार्लियामेंट ने क्या बोला कि सर जजेज की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए प्रोसेस आई है, नीचे समझिए। तो फाइनेंशियल बिल में क्या बोला था, आइडिया आया और प्लस इनको सैलरी भी तो देना पड़ेगा, तो आइडिया प्लस मनी, तो कौन सा बिल हुआ, फाइनेंशियल बिल। अब नीचे आइए, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज होंगे, देन पावर, सो सैलरी भी इंक्रीज होगा, देन अब आगे सीधा नीचे देखते जाओ, 31 से 34 जज मान लो कर दिया हमने, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, इट विल बी डन इजिली बाई पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। नीचे आइए, सैलरी इंक्रीज करेगा, देन सीएफआई में पैसा भी तो डिक्रीज होगा। तो सर सैलरी जब बढ़ाओगे तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाल के दोगे ना, तो फिर इस पर भी असर पड़ा, तो पार्लियामेंट सबमिशन ऐसे भी चाहिए आपको। दूसरा इधर आओ, जजेज इंक्रीज हुए 31 से 34, तो न्यू जजेज प्लस सीएफआई, सीएफआई में पैसा बढ़ा के घटा, डिक्रीज किया, देन सैलरी तो बढ़ी बिकॉज न्यू पीपल, सो न्यू आइडिया प्लस सैलरी इज व्हाट, फाइनेंशियल बिल। तो ये मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल है, तो फाइनेंशियल बिल को सर अलग तरीके से आएंगे। पेज नंबर 167, सो व्हेन ओनली सैलरी इंक्रीजेस देन इट इज अ मनी बिल। अगर सिर्फ सैलरी इंक्रीज करने की बात की जाती कि जज की, मतलब 31 जज पहले से हैं, इनकी सैलरी को बढ़ाना है, तो मनी बिल हुआ कि फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। जज पहले से उतना ही है, हमने जज को बढ़ाएगा, न्यू आइडिया कहां आया, जज थे सैलरी बढ़ा दिया तो मनी बिल हो गया, लेकिन सर जजेज की भी संख्या बढ़ा दी तब वो कौन सा हो गया, फाइनेंशियल बिल। जरा नीचे आओ, एंड व्हेन द नंबर ऑफ जजेज इंक्रीजेज प्लस सैलरी देन फाइनेंशियल बिल। ओरिजिनल बिल जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाया तब वो हो गया ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल सिंपल क्या है, न्यू आइडिया, ट्रिपल तलाक का भी न्यू आइडिया, तो न्यू आइडिया था मतलब एक आया बस हो गया बात खत्म। अब जरा नीचे आओ, यहां से इंपॉर्टेंट आता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब जो है आपका वित्तीय, जो आप बोलते हैं नीति, कि सर आपका कैसा होना चाहिए, आगे क्या प्लान होना चाहिए, कितना खर्च करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, हर किसी का अपना एक फिस्कल पॉलिसी होता है, हर इंसान का। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैंने वहां देखो दिया भी है, तो दो तरीके का होता है फिस्कल पॉलिसी कैसे निकालोगे, पहले तो इनकम कितना है और खर्चा कितना है, देखो मैंने क्या क्या लिखा है वहां, जल्दी से देख लो। मान लो आप स्टूडेंट हो, इनकम क्या है सर, आपका सैलरी अगर अभी नहीं मिला, आप कमा नहीं रहे हो, तो फैमिली से लोगे, तो क्या क्या लोगे, उसमें अलग अलग होगा ना कि सर पॉकेट मनी के लिए चाहिए, सेविंग चाहिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को घुमाने के लिए चाहिए, तो मतलब चाहिए ना, किताब के लिए चाहिए। तो ये सर सैलरी में आपको पैसा कहाँ, अब तो खुद नहीं, घास मिल रहा है घर से, तो इनकम मिल रहा है उसका कुछ क्या है, एक्सपेंडिचर, अरे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, तो इनकम मिला उसका कुछ आपने खर्चा किया। अच्छा, अगर खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो तो कर्जा में जाओगे ना, और कुछ लोग किडनी बेच के आईफोन भी देंगे, तो सर मान लो मतलब देते हैं हाँ खून भी देता है। अब इधर आओ, नेक्स्ट, पहले वहां देख लो ये सेम चीज, इधर इधर सबको पता है सब, ठीक है, ये सेम चीज हम सरकार पे लागू करेंगे। मैं बता रहा हूं, थोड़ा भी मिस करोगे, थोड़ा भी स्लिप करोगे जाओगे, क्योंकि ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इतने वन वर्ड क्वेश्चंस, इतने वन लाइन आंसर बनेंगे, और कि आपको सर अंदाजा नहीं लगेगा, थोड़ा भी मिस करोगे गलत करके आओगे, गारंटीड। नीचे आओ, देखो पहले इकोनॉमी में आपको पहले दिख रहा है कि इनकम अगर इंक्रीज हुआ और अगर एक्सपेंडिचर कम है, मतलब इनकम ज्यादा है खर्चा कम, तो अच्छा कि बुरा, अरे ठीक ठाक है ना, देखो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है, ये भी पता है ना आपको, तो ये भी होता है कि अच्छा तो लगता है, बिल्कुल, तो अच्छा और ये बुरा बात की बात है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, फिस्कल पॉलिसी में हमें ये देखना है कि सर किसी भी कंट्री का अगर इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंट्री के लिए ठीक ठाक मामला है। बट इसमें भी दोनों चीज है, ऐसा भी तो सिचुएशन हो कि सर कोई बात नहीं, इनकम भी ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से बैलेंस बढ़ता रहे,
तो और ज्यादा डेवलपमेंट आप कर सकते हो, नहीं तो अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा ही कम है जिसका मतलब यही तो बात है कि डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि सर डेवलपमेंट करना चाहोगे तो थोड़ा कर्जा तो होगा, बात तो ये भी है ना। अगर डेवलप जैसे नहीं पढ़ना, आप गार्जियन कुछ लोग हैं पैसा दबा के रख लिए, मान लो अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ाए, भाई अगर नहीं पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा रहे तो नहीं पढ़ाए तो क्या हुआ, उनको लगता है हम पैसा बचा लिए, अच्छा पैसा बचा तो लिए उनको लगता है ऐसा, लेकिन कुछ दिन बाद वही बेटा फिर बड़ा होता है और उनका जमीन में बेच के फिर उसके बाद खाता है, आप समझ में आ रहे मेरी बात, उसके बाद तब इनको एहसास होगा अरे पढ़ा लिए रहते वही ठीक था, कम से कम अपने से तो कर लिया रहता। तो सर कुछ गार्जियन का मेंटेलिटी होता, बोलते अरे पढ़ के क्या करी, पैसा रही है ना घर रे शादी कर दे बोल जाए बात खत्म, वो अरे गजब का सोच है, उसके बाद उसको बैठा भी लेते हैं घर पर, उसके बाद एक ही चीज होता है आधा कट्ठा पहले बेचाता है, उसके बाद बोला अब बेचने का भी तरीका होता है ना, पहले बोल जाता है ये मैं गाछ बा, ये गाछ के कारण खेत जोताई नहीं खे होत, तो ये जमीनवा के पहले बेच दे बोल। सर बेचने का लत इतना गंदा है कि कोई आदमी अगर एक बार जमीन बेच दिया आई कैन गारंटी यू रुकेगा नहीं, वो पूरा निपटा के ही खत्म करेगा वो पूरा का पूरा। और ऐसे गांव में आप देख लेना होंगे लोग, और अच्छा अच्छा बहाना देते हैं, अरे मैं तो बहुत दूर पड़त रह लखो पोखर बा होने ना धान हुई ना गेहूं हुई का हुई, तो क्या करो बस नाम नाम सत्य आप जा चलिए नीचे आइए। तो पॉलिटी देखना यहाँ पे, अच्छा ठीक है मान लो पॉलिटी के पास कितना, मैंने पॉलिटी में कितना गोल्डन रूल बताया था, चार। इकोनॉमी में दो ही गोल्डन रूल है सर, एक चीज याद रखना जो बिजनेस करते हैं जो काम करते हैं सब में हर जगह हेल्प करेगा, जो अभी यहाँ से बताने वाला हूँ मैं, जो अपना काम भी करोगे बहुत हेल्प करेगा। इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंस है, पहला टाइम और दूसरा एसेट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एसेट और टाइम क्या है, मैंने बोला टाइम और क्या बोला एसेट, टाइम बचा लो और एसेट का रक्षा कर लो। एसेट क्या है, एसेट वो चीज है सर, दो चीज याद रखना, लायबिलिटीज होता है और एक होता है एसेट। लायबिलिटीज मतलब, लायबिलिटीज मतलब क्या, बस हाँ है तो है, जैसे लोगों कितने लोगों को लगता है। एसेट मतलब होता है ओरिजिनल धन संपत्ति जिससे आपको वाकई कुछ मिलता हो, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि सर आदमी जो है वो एसेट है, ऑल पीपल्स आर एसेट्स, कितने लोगों को लगता है। पहले तो कुछ लोगों को मीनिंग समझ में नहीं आया, हमको तो ये लगता है, मैंने बोला लायबिलिटीज मतलब, लायबिलिटीज मतलब नॉर्मल ठीक है इंपॉर्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना इंपॉर्टेंट उससे नहीं है। एसेट मैंने बोला कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो धन संपत्ति आपकी है, पूंजी है। जैसे मान लो गहना आप सोच लिए, अभी सोच हालांकि गहना का भी डेफिनेशन अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन गहना वहना रखे हो आपके चलो काम आएगा, मतलब गहना भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बेचने उचने में काम आएगा, चाहे कभी लोन लेने में काम आएगा, मुद्रा लोन लेंगे। अच्छा मुझे बात बताओ, आप पहले मीनिंग समझ में है, अब बताओ कि ऑल पीपल्स आर एसेट और लायबिलिटीज एसेट। अब एक मेरा दूसरा स्टेटमेंट सुनो, ओनली गुड पीपल आर एसेट। याद रखिएगा इस दुनिया में सिर्फ गुड पीपल ही एसेट है, अगर सारा पीपल एसेट रहता तो क्राइम काय करता सर। आदमी एसेट नहीं है, गुड पीपल्स आर एसेट ओनली, बस Not every people are asset. इस दुनिया में हर आदमी asset बन ही नहीं सकता है, All are what? Liabilities. बस formality के लिए जीवन में आ गया, भगवान जी पैदा करके भेज दिए, बस धरती का बोझ बना हुआ है वो। अरे कुछ ऐसा भी लोग तो हैं, और ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो बोझ बने हुए हैं, जितना कुछ काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस सोए हुए हैं खाली, क्या काम है। मेरा नाम क्या है, सूरज। अच्छा तो सूरज को नहीं है, नहीं मेरा नाम सूरज, और काम क्या है, प्रकाश फैलाना, ठीक है। ऐसा नहीं आ रही है, आप समझो सर सोए रहते कुछ लोग, मैं बता रहा हूं हद है। एक आदमी जो पिछले 20 साल से कुछ भी नहीं किया हो, पापा का है पैसा मिल जाता है, उठते हैं सुबह में 10-12 बजे तक सोए रहेगा, कुछ पता ही नहीं किधर जाना है, कुछ नहीं पता क्या करना, सो के उठ रहा है, मम्मी खाना, खाना खा लिया, 2 चिप्पा 4 चिप्पा खा लिया, अच्छा कपड़ा झाड़ लिया, बाहर निकल गया, फिर गांव में गया, टहल्ला वाला मार के आया, खाली बस इधर कर ले, फिर आया शाम में, फिर 4 छिप्पा आप समझ पा रहे हो। अच्छा ऐसे लोग है कि नहीं है, पहले ये बताओ ऐसे लोग है कि नहीं है। मैक्सिमम लोग है, उनको एक्चुअली नहीं पता कि आज तक नहीं पता चल के क्या कर रहे हैं, शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, आज भी वही काम चल रहे हैं, फैमिली वो फैमिली कैसे चल रही है, क्योंकि सर पापा जो है ना, पापा जो है उनका सैलरी आता है, पेंशन आता है, उसी पेंशन पे पूरा टेंशन चलता है,
बात हो गई ना, सब टेंशन ही है। इस दुनिया में एक कहावत है कि जो इंसान अगर खुद पे डिपेंडेंट नहीं है वो इस दुनिया का सबसे बेकार पशु है, उस पशु से भी बेकार है जो पशु कम से कम अपने खाने के लिए खुद से मेहनत करता है। तो सर आप बाकी सोच लो आप क्या हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, लाइफ में कभी भी चाहे आपके पापा विधायक हों, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे दुनिया में ऊपर चले जाएं, मतलब कितना दुनिया में मैंने बोला है दुनिया से बाहर नहीं बोला है, दुनिया में बोला है तो दुनिया में कितना भी वो ऊपर चले जाए आपको दिमाग में रखना है सर अपनी औकात डिसाइड कर लेना। क्योंकि बहुत लोग क्या है यही सोचते हैं, पापा हमारे विधायक हैं हमको बस खा के सोना है। इज्जत नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इज्जत आपके घर वाले नहीं करेंगे आपका, इस बात का आप मान के चल लो। कुछ दिन जैसे कुछ बात आप बोलना चाहोगे ना कुछ नया, पापा क्या बोलेंगे औकात क्या है। और ये होता है, आपको एक दिन अपने आप को फेस करना ही पड़ता है। अब कुछ होते हैं बेशरम लोग, सुन लेते हैं अरे कोई बात नहीं पापा, अरे बेशरम मतलब समझ लो, मुझे इतना गुस्सा आता है, उसका सब मर चुका है वो इंसान जिसको पापा बोल भी रहे तुम्हारा औकात क्या है बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती, वो मरा हुआ इंसान। सुन पा रहे हो, नीचे आओ। अब सर मैंने बोला दो चीज, मैंने क्या बोला, एक स्टूडेंट को सैलरी मिला मतलब घर से मिला चाहे वो जॉब करके जैसे भी मिला, उस पर कुछ खर्चा करेगा, अरे है ना। yes, इधर देखो, अब ये जो स्टूडेंट है इसके अपने अपने हैं, मान लो किताबें चाहिए इसको, घर चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ मिल गया, रेंट वगैरह मिल गया। इधर कुछ लोगों को पॉकेट खर्च चाहिए सुट्टा पीने के लिए, कुछ लोगों को घुमाने के लिए, कुछ लोगों को कुछ चाहिए अपना ले लिया, मतलब जो भी है। अच्छा इधर आओ, इस स्टूडेंट को हटाओ, यहाँ पे लगाओ इंडिया, ठीक। तो इंडिया को भी कुछ क्या होगा, इनकम, अरे है ना। yes, और इंडिया के भी कुछ खर्चे होंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर, है ना। तो इंडिया का एक इनकम हुए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ अगर इनकम इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो लगभग ठीक ठाक कहेंगे कि चलो ठीक चल रहा है, अगर दोनों बैलेंस है तब तो और अच्छी बात है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया खर्चा, इनकम से काफ़ी ज़्यादा हो गया, तब तो बहुत बुरा हाल है। समझ पा रहे मेरी बात। पेज नंबर 167 पे नीचे देखो, इंडिया, इधर जो आपका दो चीज़ में लिखा होगा इसको समझने के लिए सीधा पेज नंबर आप आ जाओ 168 पे, A160। और ये जो डायग्राम बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये जो आपके पूरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी निकाल देगा। यहाँ से पॉलिटी तो है ही, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है लेकिन यहाँ पे जानबूझ के रखा हूँ मैं। देखो इधर मैंने क्या बोला, इंडिया लिखा है ना, बताओ जरा क्या क्या लिखा है। इधर आपको लिखा होगा रेवेन्यू, और इधर लिखा होगा कैपिटल, देख पा रहे हैं। प्लीज़ यहीं रहना, बातें नहीं करना, बस बता दे रहा हूँ मैं, अलर्ट रहना, मिस किए गए। इधर रेवेन्यू, इधर क्या हो गया कैपिटल। रेवेन्यू में क्या है, हाँ सॉरी, एक होगा रिसिप्ट और दूसरा क्या है एक्सपेंडिचर। सुन लेना ध्यान से, ये रिसिप्ट का मतलब कुछ नहीं है, इनकम, जो स्टूडेंट का इनकम हुआ बस। क्योंकि सर देखो इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज अलग हो जाता है, मीनिंग को समझना इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एक्सपेंडिचर के जगह पे क्या लिखा हूं, एक्सपेंडिचर ही है। चलो ठीक है, इधर आओ, कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल में बताओ क्या है, इसमें भी होगा रिसिप्ट और क्या होगा एक्सपेंडिचर। इधर देख लो, मेरी तरफ देख लो ध्यान से थोड़ा, पहले तो इसका मीनिंग समझो कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। देखो रेवेन्यू और कैपिटल में क्या है पहले मतलब समझो फिर आगे बढ़ना। पहले मुझे देख के बताओ कि ग्रेटर देन वन ईयर इसमें है कि उसमें है, यहां मैंने लेस देन लगाया। सुनना, रेवेन्यू मतलब होता है कि सर एक साल के अंदर जो आपको कुछ मिला है वो हुआ रेवेन्यू। अब एक साल से एक साल के अंदर जो मिला है उससे बहुत ज्यादा असर आपके एसेट पे नहीं पड़ेगा। एसेट मतलब अभी क्या समझो, एसेट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका सर, मान लो आपने क्या किया, आप अपने घर में कुछ गहने हैं जो बचा के रखते हैं, तो घर मतलब उसको संपत्ति सिद्ध नहीं बोले, वो गहने आपने बचा के रखा। क्यों बचा के रखा, दो चीज की सर, कल बेटी की शादी होगी या कल कुछ हमको बिजनेस करना है, तो आपने पूंजी एक बचा के रखा कि वो बाद में काम आएगा। एसेट का मोटा मोटा डेफिनेशन मैं एक बता देता हूँ, एसेट मतलब वो चीज होता है, सुन लेना ध्यान से, जिस चीज से आपको कुछ अर्निंग मिले।
जैसे आपने बोला कि सर क्या कार एक एसेट है, तो कार एक एसेट नहीं है, कार एक लायबिलिटीज है, तब तक जब तक उस कार से आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। कोई लोग बोलेंगे क्या घर एसेट है, पहले सुन पा रहे हो, घर एसेट नहीं है तब तक जब तक आप लोन चुका रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है, लायबिलिटीज है वो। एसेट कब होगा, जब आपका खुद का घर है और आपको उससे अर्निंग आ रहा है। मान लो आप उस घर को आपने मॉल में दे दिया या किराए पर दे दिया, तो उस घर से कुछ मिल रहा है ना आपको, तो जब घर से उससे मिले तो उसको क्या बोलेंगे, एसेट, और जब कुछ ना मिले तो क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। मोटा मोटे मीनिंग समझ लो यहाँ, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप सोच के देखो, ये कैपिटल, ये क्या हो गया, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम की खर्चा, इनकम। अब एक बात बताओ, कैपिटल क्या है, एक साल से ज्यादा के अंदर जो प्राप्त हुआ है सरकार को, उससे आपके एसेट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब सोचो ना, टेम्परेचर हर दिन तो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। मैं फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत आप लोगों को ये भी बोला था नॉर्मल, कि सर आप फिजिकल ज्योग्राफी में कभी भी ये मत सोचो कि एक दिन में बदला है उसके बिहाफ पे कुछ होगा। आप ये सोचो कि ओवरऑल, क्या सुन पा रहे मेरी बात, फिजिकल ज्योग्राफी में डे टू डे चेंज नहीं होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है कि साल भर में कितना चेंज हुआ। इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर नहीं। वेदर क्या होता है, हर दिन होता है, धूप था, बारिश नहीं हो, आज समझ में। तो उस पर कोई कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, क्या सुन पा रहे मेरी बात। आपने ये देखा कि पूरे साल भर कितनी बारिश हुई, कितना धूप निकला, उसके बेसिस पे आप कॉन्क्लूजन निकालोगे। सुन पा रहे हो, तो सर रेवेन्यू मतलब लेस देन वन ईयर, जो भी पैसा आया एक साल के अंदर वो क्या हुआ, रेवेन्यू। उससे ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कैपिटल क्या है, एक साल के बाद या ग्रेटर देन वन ईयर पूरा, मान लो पांच साल के अंदर कितना मिला है आपको, उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि सर आपने रखा था सोना चांदी, पांच साल के अंदर आपको बहुत सारा आया, उससे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। लेकिन हर दिन के बेसिस पे, हर दिन कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही जाता है, आप उससे थोड़ी मतलब रखते हो। जैसे हर दिन गए, कभी आपने चॉकलेट खा लिया, कभी आपने बिस्किट खा लिया, उससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव तब पड़ेगा जब आपने फिर पिछले पांच साल से कितना बिस्किट खा लिया, कितना क्या किया, जब हिसाब किताब लगाओगे तब उससे आपके एसेट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सुन पा रहे हो मेरी बात, अरे है ना। तो इधर रेवेन्यू, इधर क्या हो गया, कैपिटल। इधर देख लो, रेवेन्यू में क्या हो गया, इनकम, रेवेन्यू में हो गया एक्सपेंडिचर, इधर भी कैपिटल में इनकम और इधर में एक्सपेंडिचर। इनकम को क्या बोल रहे हैं, रिसिप्ट, इसमें इस इनकम को क्या बोल रहे हैं, रिसिप्ट। अब मुझे बताओ, अगर रिसिप्ट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, मतलब कहेंगे ना कि ठीक ठाक है। अब एक शब्द आ गया इधर, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है ना आर्थिक मंदी, आर्थिक तंगी, कमी, सीधा मीनिंग है डेफिसिट मतलब क्या, कम। इधर मंदी कब होगा, जब आपका खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तब होगा, अरे है ना। तो डेफिसिट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। अरे समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितने गए कर्जे में, तो क्या लिखा, एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा हुआ, इनकम कम, तो आपको आर्थिक तंगी हुआ। इधर मैं इस शब्द को चेंज कर रहा हूं, अब वापस आप बताओगे, मैंने बोला क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो क्या लिखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या सुन पा रहे हो। फिर मैंने बोला आप ये बताओ कि कैपिटल डेफिसिट क्या होगा, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट क्या होगा, सेम वही चीज, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, किसका, कैपिटल का कि किसका, कुछ समझ आ रहा है। तो सर अब मैं इसको हटा के अब पूछ रहा हूं, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, मतलब पूरे इंडिया का डेफिसिट हुआ, क्या फिस्कल डेफिसिट, तो क्या करोगे, पूरा पूरा एक्सपेंडिचर में से पूरा घटाओगे, हाँ है ना। मतलब कि कैपिटल का एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल का रिसिप्ट प्लस इनका, सॉरी रेवेन्यू का रिसिप्ट, कुछ समझ में आ रहा है। तो एक टोटल निकलेगा क्या, फिजिकल डेफिसिट। इसी तरह से कोई कंट्री अपना निकालता है कि हम कितने माइनस में हैं, कितने प्लस में हैं, कुछ सुन पा रहे हो। लेकिन अब इस रिसिप्ट में से भी कुछ अलग अलग निकलेगा जो इंपॉर्टेंट है, सुन लो। तो इनकम सरकार को कहां से मिलेगा, टैक्स से, अरे मिलेगा ना मिलेगा। टैक्स भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर इधर टैक्स से यहां मिला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, वहां देख के बताओ,
खर्चा बहुत सारा होगा ना, पहले क्या है सब्सिडी पे आपने खर्चा किया। अब सोच के देखो, बस दो मिनट में बोल रहा हूँ, तेजी से सुनते जाओ, खत्म करेंगे। सब्सिडी पे करना, आपने सब्सिडी दिया सर अपने वहाँ से, पब्लिक सैलरी, डिफेंस का मेंटेनेंस, फिर उसके बाद क्या, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स, आपने जो विदेश से लोन लिया वो सबको चुकाना है। अरे क्या हुआ ये सब, तो ये सब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, और ये क्या हुआ, रिसिप्ट। बहुत सारा, इसके अलावा बहुत सारा होगा, हजारों लाखों चीज़ें हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट का इनकम और खर्चे हजारों हजार, उसी तरह से कंट्री में क्या आया और क्या गया। अब आओ इधर देखो, कैपिटल, कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म में देखोगे। जरा देखो रिसिप्ट में क्या है, डेब्ट और एक है नॉन डेब्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एक रिसिप्ट क्या है, डेब्ट रिसिप्ट, और एक है नॉन डेब्ट। डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्ज, DEBT। डेब्ट मतलब क्या होता है, कर्ज। कोई कॉमर्स के अगर होंगे तो जानते होंगे, इतना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ, तो ये डेब्ट मतलब क्या, डेब्ट मतलब क्या, कर्ज। सुन पा रहे हो मेरी बात, और ये डेब्ट मतलब हो गया कर्ज। तो अब एक डेब्ट हो गया, एक हो गया नॉन डेब्ट। तो सर वहां देखो कैपिटल में, एक आपने लोन लिया था। अच्छा, लोन जब भी आप वर्ल्ड बैंक से लोगे तो एक दिन के लिए लोगे कि ज्यादा दिन तक के लिए लोगे, ज्यादा दे, इतना थोड़ी अमाउंट 1000 की कल दे देंगे सर, वो अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों में होता है वो। तो सर आप क्या लॉन्ग टर्म में जाओगे, जब लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कैपिटल बोलोगे कि रेवेन्यू बोलोगे, कैपिटल। इसलिए इकोनॉमिक्स में वर्ड बार बार जब रेवेन्यू आए, कैपिटल आए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या डिस्कशन चल रहा है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग रेवेन्यू को भी वही समझ रहे हैं, कैपिटल को वही समझ रहे हैं, सब चल रहा है एकदम। क्या क्या क्या, हाँ नहीं नहीं वो बहुत सारा काम है, वर्ल्ड बैंक से सिर्फ एक ही चीज में ले जा सकता है, अलग अलग फैक्टर, उसके लिए परेशान मत होइए। बस अभी इतना दिमाग रखिए, हमने लोन लिया है किसी भी वजह से, वजह क्या है, डिटेलिंग है, परेशान मत होइए, एक वजह नहीं हजारों वजह होते हैं। खैर नीचे आइए, तो एक मिला क्या, डेब्ट, दूसरा क्या मिला, नॉन डेब्ट। एक एक्सपेंडिचर में आओ, एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा लॉन्ग टर्म में, रोड पे खर्चा, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपने करने लगे, स्कीम पे, बहुत सारा स्कीम आपने नया निकाल लो, मनरेगा निकाल दिया, सुन पा रहे हो, हर की इतना मिलेगा, फिर आपने कोई और प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब बहुत सारा अलग लगे, तो खैर अलग है, बहुत सारा निकाल दिया। अच्छा एक हुआ रेवेन्यू, दूसरा क्या हुआ, कैपिटल। रेवेन्यू में भी कुछ इनकम कुछ खर्चा, कैपिटल में भी कुछ इनकम कुछ खर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम को क्या बोल रहे हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है। अब जरा नीचे आओ, ऑल रिसिप्ट एक्सेप्ट डेब्ट रिसिप्ट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा का सारा रिसिप्ट, सुन पा रहे हो, एक्सेप्ट कौन सा, डेब्ट रिसिप्ट। तो इस रिसिप्ट में क्या है, एक है डेब्ट और एक है क्या, नॉन डेब्ट। तो जरा देखो इधर ध्यान से, इस डायग्राम को बनाना अच्छे से आप अपने पास, तब जाकर पूरा दिखेगा एकदम क्या चमक रहा। नहीं इधर देखो, मैंने बोला सारा रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट इसका भी, रिसिप्ट इसका भी, ऑल रिसिप्ट एक्सेप्ट, क्या लिखा है, डेब्ट की नॉन डेब्ट, डेब्ट। ये इसको छोड़ दो तो बाद बाकी सारा रिसिप्ट कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अरे भैया इसमें डेब्ट कर्ज में हो तो वो कहां से लेके जाओगे आप, वो तो आपको चुकाना है, मतलब वो इनकम के फॉर्म में भी तो चुकाना है आपको। आपने लोन ले लिया तो क्या आपका इनकम है, वो तो चुकाना है आपको, और सर इंटरेस्ट सही चुकाना है, तो इनकम कहां से हो गया। वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर है, लेकिन वो एक लायबिलिटीज है, एसेट नहीं है। क्या समझ पा रहे हो, अब आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है तो चुकाओगे ना, आज नहीं तो कल, अरे है ना। तो सर क्या वो आपको बोलोगे कि आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा आया है, कहां से बोलोगे, उसको तो आपको चुकाना है। इसीलिए सर क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये टर्म घुमा के कुछ को समझ ही नहीं आता, क्या बोले ऑल रिसिप्ट। अच्छा आधा से ज्यादा लोग रिसिप्ट का मतलब, अच्छा फी का रिसिप्ट हुआ है, बहुत लोग रिसिप्ट रिसिप्ट समझते हैं रसीद, तो कुछ लोग चंदा का भी रिसिप्ट समझ लेते हैं कि चंदा दिए 150 जाके भोज खा के आएंगे। सुन रहे हो कि सो गए, कहते हो कि सर पढ़ाओ, उसके बाद सो रहा है सब। अब ध्यान से देख लो, ऑल रिसिप्ट एक्सेप्ट क्या, डेब्ट रिसिप्ट, कहां जाएगा CFI में, हमारे पास सारा इनकम आएगा CFI में। एक्सेप्ट क्या, डेब्ट रिसिप्ट, जो हमने लोन लिया है वो हमारे पास नहीं आएगा। पहले यहां तक समझ में आ रहा है, अब जरा नीचे आओ। अब उसके बाद कुछ पैसे इसमें से रख लेते हैं फॉर इमरजेंसी यूज, दैट इज कॉल्ड COFI। अब कुछ इमरजेंसी के लिए हमने पैसा रख लिया अलग, उसको क्या बोलेंगे, COFI, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सुन पा रहे हो, नीचे आओ। अब जो नहीं देखेगा नीचे आओ। डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। डेफिसिट का एक ही मीनिंग है, आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। अब नीचे आओ। सो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू क्या,
इनकम रिसिप्ट है ना, कैपिटल समझ गए, ये समझ गए, चलो आगे बढ़ो। फिस्कल डेफिसिट भी समझ गए। फिस्कल डेफिसिट में फॉर्मूला जरा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये आप समझते जाओ। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, इसको खाली ले रहे हैं ना कि इसको, क्योंकि ये हमारा इनकम नहीं है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। COFI से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। COFI से खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा है क्या, बिकॉज कंटिजेंसी मीन्स इमरजेंसी, वो इमरजेंसी में यूज करते हैं। इमरजेंसी में अगर परमिशन लेंगे तो सर कहाँ से इलाज होगा। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सर इमरजेंसी है तो पहले पर्चा भरो। अब हटा दिएगा नियम कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लोग मर रहे हैं अगर रोड पे तो आप लेके उनको जा सकते हो। पहले लोग लेके नहीं जाते थे कि पता नहीं पहले तो पुलिस केस होगा और पहले आप ही जाओगे जेल में। तो अब क्या किया, उसको हटा दिएगा कि आप लेके जाएंगे तो ये पूछने जाएगा कि आपको कौन लगते हैं क्या लगते हैं, पहले उसका इलाज किया जाएगा। तो ये नियम अच्छा है। अब सर इमरजेंसी में पहले आप पैसा दोगे कि पहले ये सोचोगे कि परमिशन लेके आए, परमिशन लेके आओगे तो फिर इमरजेंसी कैसा सिचुएशन। अब सडनली अकाल घोषित हो गया, बाढ़ आ गया, सडनली कुछ मरने लगे लोग, कुछ भी अर्थक्वेक आ गया, अब आप बोलोगे नहीं पार्लियामेंट से पास करेंगे तब लोगों को पैसा देंगे, हो गया। फिर नीचे आओ। बट इन CFI एक रुपया भी आया है या गया है, दैट इज मनी बिल। न्यू आइडिया प्लस मनी बिल देन फाइनेंशियल बिल, पेज नंबर 169। CFI इज अ रिपोजिटरी ऑफ डिपॉजिट्स एंड अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। CFI क्या है सर, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे गवर्नमेंट का अर्निंग और गवर्नमेंट का खर्चा दोनों का पूरा हिसाब किताब रखता है। वो कौन है, CFI। नीचे आओ। CFS दिख रहा है। अब जिस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पूरा इंडिया होगा उसी तरीके से हर राज्य का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, CFS कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। मतलब एक हुआ इंडिया का और एक क्या हुआ स्टेट। भाई हर किसी का तो अपना अपना होगा ना कि कितना आया और कितना गया। नीचे आओ। अब उसके बाद COFI इज एन एलोकेशन फॉर अर्जेंट और अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस, इमीडिएट पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट नीडेड। तो COFI में आपको इमीडिएट पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PAI शॉर्ट फॉर्म में हर जगह लिखा रहता है PAI। PAI पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई पीपल इन द गवर्नमेंट सच एज PPF, ट्रेजरी बिल, पेंशन स्कीम एटसेट्रा। मतलब सरकार आपका पैसा अपने पास रखकर उस पर इंटरेस्ट कमा रही है और उसका फायदा आपको दे रही है। सरकार ने क्या बोला PAI में, इधर नाम से याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और जाके पूरा पढ़ना है, अलग से पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं, ध्यान रखना। ये सारा एक छोटे छोटे अलग टॉपिक दिया हुआ इसमें कि PAI क्या है, फिर उसके बाद क्या, सुन पा रहे मेरी बात, इसे रीड करना, इसलिए मिस करोगे दिक्कत होगा, क्योंकि सर आपको PAI पता चल गया, CFI पता चल गया, अब उसका डिटेलिंग एकदम खत्म करते जाना है। आज टिक लगवाऊंगा मैं कौन कौन सा पेज खत्म करना है। वापस मैंने क्या बोला, PAI पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि आपने क्या बोला, इधर अटल पेंशन योजना आया था कि आप सर महीने में हर महीने 5,000 मान लीजिए जमा करिए, आप जब 60 साल के बाद हो जाएंगे तो आपको सरकार इतना पैसा देगी। अच्छा अभी तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपने पैसा जमा किया, सरकार ने उस पैसे का क्या किया, उस पैसे पे कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, वहां से प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट का आपको हिसाब दिया। इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सभी के लिए है ना। अच्छी ऐसा तो नहीं है कि खाली बस आप ही लोग के लिए, बिहार वासियों के लिए आया अटल पेंशन योजना, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि सर आप अपना जमा करके रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पेंशन मिलेगा। यहाँ तक ठीक। नीचे आओ। मिस यूज ऑफ बिल भी होते हैं, तो बिल का क्या मिस यूज किया जा सकता है, तो होते हैं, उस बिल को जरा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मिस यूज ऑफ बिल क्या हो सकता है, एक बार जरा अभी तक जितना पढ़ो बस एक बार उस पेज तक स्कैन करो, बस एक मिनट के अंदर क्विक।
चलो देख लिया हो गया आप। अब थोड़ा आ जाओ पेज नंबर 169। आप देखे देखो इस बार हम लोग वही बोला ना, कम टाइम पे ज़्यादा अभी जाएगा, कम टाइम पे ज़्यादा बातें नहीं होंगी, जब चुपचाप सुनते जाओगे तो ज़्यादा सिलेबस कवर होगा। 169 आ जाओ नीचे। सबसे फर्स्ट 169 पे मैंने बोला है कि बिल का मिसयूज कैसे किया जाता है। तो सर मिसयूज तो आपको भी पता है बहुत तरीके से किया जाता है। बिल का मिसयूज करने का भी तरीका है कि वॉइस वोट करवा लो, है ना, और वॉइस वोट से पास करा दो, एग्रीकल्चर बिल पास हो गया, कितने लोग हैं। खैर आधार का सबसे इंपॉर्टेंट बिल का सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है, कैसे देख लो आपको मजा आएगा। पहले देखो गवर्नमेंट सेड, सब इधर आ जाओ, गवर्नमेंट ने बोला कि जिसको भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी, डीबीटी क्या होता है समझ लो, नाम सुनते हो लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब जिसको पैसा भेजना है उसी के अकाउंट में डायरेक्ट। अब जैसे मनरेगा का है मान लो कोई आदमी, जैसे आप लॉकडाउन में सुने होगे कि 1,000 रुपया सरकार दे रही है, तो जिसका भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट था उसको 1,000 मिल गया, जिसका नहीं था वो ढूंढ रहा है कि जनधन योजना कैसे खोलेंगे, वो सोच रहा है मतलब कि कैसे अकाउंट उसमें खोलते, कितने लोग का है उसमें। अरे पिछले बार पूछा था तो बहुत लोग बोला था, इस बार नहीं बोल रहे हैं, तो सर उसमें ऑलरेडी खुला हुआ है, आ जाते हैं उसमें, अब वापस पैसे आ जाते हैं, मतलब भाई गवर्नमेंट देती है। इधर आओ, डीबीटी में बोला गया कि जिसका आधार कार्ड होगा उसी को पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा कमाल की बात यह है कि आधार कार्ड में क्या होता है, दो होता है, एक होता है डेमोग्राफिक, आपका पूरा घर और सारा एड्रेस होगा, और दूसरा क्या होता है आपका बायोमेट्रिक, सर एक बार आपका आँख स्कैन हुआ हुआ है उसमें, थंब स्कैन हुआ हुआ है, समझ, अरे पैर स्कैन नहीं हुआ है, समझ तो क्या आई हैंड, ये दो स्कैन है। अब जब नहीं तो बात कोई बोला सर, चलो आओ नेक्स्ट नीचे, ज्यादा डिस्कशन आज नहीं करना है इसीलिए आज कंट्रोल कर रहे हैं, आगे आओ तो आधार में आओ। सबसे पहले हाँ मिसयूज ऑफ द बिल में पहले पढ़ते जाओ एक बार क्विक, लाइक गवर्नमेंट सेड कि जिसको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट से, दे नीड आधार मनरेगा, तो मनरेगा वाले को चाहिए आधार। वाले में क्या चाहिए सर, आपको आधार से लिंक रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। बट हु वाज नॉट हैविंग डायरेक्ट बेनिफिशियरी देयर नो नीड ऑफ, उसने क्या बोला कि लेकिन जिसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की जरूरत नहीं है उसको आधार कार्ड की जरूरत। अच्छा कमाल की बात यह है, आपको बैंक अकाउंट क्या बोला सरकार ने कि हर किसी को होना चाहिए, इसीलिए ना जनधन खाता खुलवाया गया कि सर सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक बात बताओ इधर देखो, इधर क्या दिमाग लगाया देखो, सरकार बोला जिसको सिर्फ पैसा डायरेक्ट अकाउंट में चाहिए उसी को आधार की जरूरत है, बाकी को आधार की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, सरकार ने बोला सभी का खाता बैंक में होना चाहिए, सुन पा रहे हो, बैंक में खाता खुलवाने गया तो बैंक वाला बोला क्या पैन कार्ड चाहिए, क्या चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट, पैन कार्ड आधार से मस्ट लिंक होना चाहिए, पहले समझ पा रहे हो कुछ, अरे समझे कि नहीं समझे, मतलब बात हुई है ना कि घूम फिरा के कहां पहुंच गए इधर, मतलब अगर आधार जब नहीं रहा तो पैन भरे नहीं, और जब पैन है नहीं तो अकाउंट खुलेगा नहीं, और जब खुलेगा नहीं तो पैसा जाएगा कहां से, अब अरे समझे नहीं समझे। तो सर ये होता है जबरदस्त तरीका जो आम आदमी के समझ में कभी आएगा नहीं, उसको लगेगा जो बोल रहा है वो करो, जो बोल रहा है वो करो, आम आदमी को किस बात से उसको सर महीने का छोड़ो एक दिन का वेत आराम से 2,000 मिल गया, 200, 250, 300 मिला, गया उधर पौआ पिया मस्त हुआ, बात खत्म, हाँ है ना। अरे अधिकतर लोग अब तो सरकार बैन कर दिया तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो मसला हम पर डिपेंड नहीं है। बट इधर आप एक बात बताओ, कान ऐसे पकड़ने के बजाय कहाँ से ऐसे खिंचवा के पकड़वा लिया, बेसिकली आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा। आज देखोगे तो आज हर किसी को आधार कार्ड चाहिए, बिना आधार कार्ड का कुछ भी नहीं है। जरा नीचे आओ और एक और प्रोसेस दूसरा समझना, दूसरा इस लॉ में इस बिल में क्या बोला गया, देखो बिल में बोला गया कि अगर देखो ध्यान से, आधार कार्ड में दो चीज होगा डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक, UIDAI जो आपका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब हर किसी का आधार नंबर अलग है तो सबको एक पहचान अलग मिला हुआ है, हाँ है ना, अरे है ना, ये डिपार्टमेंट याद रखना। तो UI आधार कार्ड पे भी लिखा रहता है आपके, उसके वेबसाइट पे भी जाइएगा तो UIDAI लिखा रहेगा। तो सर UIDAI में दो चीजें, एक है मिनिस्ट्री एक है सिटीजन। अच्छा नीचे देखो डेमोग्राफिक में बोला गया कि कोर्ट ऑर्डर से किसी का भी डेमोग्राफिक निकाला जा सकता है, इस बिल को समझना,
ये आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया कि कोर्ट के आदेश से कोई चाहे किसी का एड्रेस निकलवाना तो निकाला जा सकता है, लेकिन याद रखना तब जब ये पता चले कि वो देश के लिए असुरक्षित है या देश के लिए वो खतरनाक है। सुन पा रहे मेरी बात? तो उस आदमी का डेटा निकलवाया जा सकता है किसके ऑर्डर से? लेकिन अब जरा एक स्टेप नीचे आओ, बायोमेट्रिक ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑर्डर से निकलता है। अगर किसी का फिंगरप्रिंट, किसी का आई स्कैन अगर उसको निकलवाना है, उसका डेटा चाहिए, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, किसका? ज्वाइंट सेक्रेटरी का। अब जरा एक स्टेप नीचे आओ, फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसमें भी कब? अरे कब? जब देश की सिक्योरिटी की बात हो तब। अच्छा कमाल की बात, इस बिल में बोला ही नहीं गया कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। क्या बोला गया? कि जब देश की रक्षा करना हो तब जाके आपको बायोमेट्रिक आपका निकाला। अरे बायोमेट्रिक आजकल देखो, अगर आपने आधार स्कैन किया आप असुरक्षित हो। आजकल आपने जैसी जहां पे भी अपना थंब वो किया, आपका जैसी खुला, अब उसके बाद क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सर कोई आइडिया नहीं है। सुन पा रहे मेरी बात? आजकल आपने जहां भी स्कैन किया, ओटीपी छोड़ो, स्कैन किया आपने, पूरा आप खतरे में हो अभी। मैंने वही बोला, आपने जैसे स्कैन किया आप पूरा असुरक्षित हो गए, आपका डेटा पूरा ऑलरेडी कहां कहां जा रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, अभी वो 5 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर बायोमेट्रिक आपके पास है, आपने स्कैन किया, कुछ लोग जाते हैं स्कैन ही करवा लो, पहले जाते थे बोलेंगे पहले स्कैन करो बाद में जैसे हो। ये जो स्कैन कर रहे हो आप, उस स्कैन पे सर मरने मरने वाले आदमी का छोड़ो, जिंदा आदमी के नाम पे उसका पैसा निकल के चला जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल पा रहा है। मेरे पास समझ में आ रही है? और वो आपको यही बात दिमाग रखना है। तो स्कैन आपने किया, अब क्या बोला गया? ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑर्डर से आपका डेटा निकाल लिया गया, आपका फिंगरप्रिंट। अच्छा फिंगरप्रिंट आ गया तो उससे डीएनए टेस्ट भी हो सकता है, आपका पूरा एकदम निकल गया, सारा का सारा सब कुछ, पीछे का बैकग्राउंड ये सब निकल गया, आप खतरे में आ गए। लेकिन कब बोला गया? जब देश की सुरक्षा की बात हो तब। अच्छा उस बिल में बोले नहीं कि देश की सुरक्षा है क्या, अब उस बिल में ये डिफाइन नहीं किया गया देश की सुरक्षा क्या। तो सरकार जब चाहेगी किसी का निकलवा लेगी, अरे समझ पा रहे मेरी बात? तो बिल का मिसयूज नहीं तो और क्या है। अच्छा दूसरा कमाल की बात, क्या बोला गया? कि इस बिल में जिसका डेटा निकलवाया जाएगा उसका सिर्फ नाम लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा कि इस बिल को निकलवाया क्यों गया है उसका डेटा, उसका कारण वहां नहीं लिखना है। आप समझ पा रहे हो? मतलब आपका डेटा भी निकलवा लिया गया और कारण भी बताया नहीं गया। बोला गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए और बोला कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है हमको पता। जरा देख लो उधर नीचे, सर सेकंड प्रॉब्लम और मिसयूज, व्हेन बायोमेट्रिक डेटा ऑफ पर्सन इज आउट देन द रजिस्टर में आपको बस उस पर्सन का नाम लिखना है, बट व्हाई यू आउट द डिस्कशन ऐसा नहीं लिखना है। प्रीवियस स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि रजिस्टर रिकॉर्ड के लिए पैसे चाहिए जो सीएफआई से आएगा, सो इट्स ए मनी बिल, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उस समय लड़ाई चल रहा था एनजैक का और गवर्नमेंट का। इसको क्या बोल दे, इस बिल को क्या बोल दिया गया? मनी बिल। अरे समझ पा रहे मेरी बात? क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सर डेटा निकलवाया जा रहा है, डेटा निकलवाने का खर्चे कहां से आएगा? सीएफआई से। अब सीएफआई से खर्चा है मतलब कौन सा बिल हो गया? मनी बिल। मनी बिल हो गया, सरकार आराम से पास करवा लिया। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैंने आपको पढ़ाया था एनजैक, नहीं पढ़ाया था क्या? जिसमें गवर्नमेंट का लड़ाई चला, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो तो हम लोग सब मिलके करें, मतलब आप भी रहे हमारा भी डिपार्टमेंट से रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ना बेटा ना, नहीं चलेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको लगा कि फिर सरकार चलाएगी क्या एनजैक एनजैक। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है जवाब? ऐसे रूल 3 सेपरेशन ऑफ पावर, हमको क्या? जबकि वो चाहता तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, आराम से कर सकता था, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा। लेकिन बोला ना सर इस नाम जितने लोग हैं सर करप्ट हैं, तो इन्होंने भी क्या इसको सोचा कि ये हमारे पे फिर हमारा गला पकड़ेगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया सर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि बेटा जो चल रहा है ठीक है, मतलब मनी बिल ही है। कहीं से लग रहा है कि ये मनी बिल है? तो घुमा फिरा के बिल का मिसयूज अच्छे से कर लिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नाक के नीचे से ना लेके चला जाएगा। अब आओ पेज नंबर 170, क्विक आओ क्विक, आ गए 170 पे आओ। अब मैंने बोला बंद किया था तो सरकार भी गुस्से में थी, एनजैक बंद किया था और सर सरकार गुस्से में थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि क्यों उसका खतरा मोल लिया जाए, आराम से बिल मनी बिल मनी बिल कर दिया। नीचे आओ। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर रूल 3, इस तरह से बिल को मिसयूज किया जा चुका है, और भी बहुत सारे बिल हैं, एग्रीकल्चर बिल भी वॉइस वोट से पास करा दिया गया, वो भी एक मिसयूज ही है। नीचे आ जाओ। नोट 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है 6 महीने में एक सेशन तो जरूर होना चाहिए ही,
चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन एक साल में 3 बार सेशन होगा, ये आरओपीए में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में? ये लिखा हुआ है कि सर 6 महीना में 1 बार सेशन बैठेगा ही बैठेगा। लेकिन दूसरा मैंने क्या बोला, अरे पढ़ाया था कल, 3 पढ़ाया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 10 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, मतलब उसके हिसाब से नियम दिया हुआ है कि कब एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको मिलेगा किसको सजा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सर आरओपीएम लिखा हुआ है कि 1 साल में 3 बार क्या होगा, सेशन होगा, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि 6 महीने में 1 बार आपको बैठना पड़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीचे आओ, विजय माल्या, एक और बिल का बता देता हूँ। तो विजय माल्या वंस वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। विजय माल्या सर पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर था, और कमाल की बात उस समय उसका किंग फिशर चलता था एयरलाइंस, अब किंग फिशर एयरलाइंस चलता था, और उसको देखो क्या गजब का, मतलब कितना सर कितना फालतू चीज है, जरा देखो। नीचे आओ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन एविएशन। एविएशन मतलब क्या होता है, वही एयरक्राफ्ट एयरप्लेन से रिलेटेड, एविएशन AVIATION, एविएशन मतलब एयर से रिलेटेड। अब सर आगे देखना जरा, नीचे आओ, 6 महीने में 1 सेशन तो जरूर, हाँ सॉरी, उसके बाद एविएशन, व्हेन द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ FDI देन एविएशन, मतलब मैं UPSC का क्वेश्चन सेट करता हूँ वही उनके बच्चों को पढ़ा देते। देखो विजय माल्या खुद देखो किस चीज़ का है, वो खुद उसका अपना प्राइवेट एयरलाइंस है किंग फिशर, और उसको ऐसी कमेटी का हेड बनाया गया है जो ये बताएगी कि कितना खर्चा करना चाहिए एविएशन पे और कितना खर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब ये वही बात हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और UPSC का क्वेश्चन मैं ही सेट करके आऊंगा। और इसे देखो मैंने क्या लिखा है, क्या क्या दिन देखने को मिलेगा, आ रहा समझ में? सर आप ऐसे डिपार्टमेंट के मंत्री हो जो आपका प्राइवेट का एयरलाइंस खुद है और आप एयरलाइंस के ही मंत्री हो, आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि हमारे अमित शाह जी के बेटे, और एक नहीं है आपको और भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, एक नहीं सर बहुत सारे हैं, अजीत डोभाल भी हैं, अजीत डोभाल के सर बेटे भी हैं, एक नहीं यही क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है वहां पे, उनको उस डिपार्टमेंट का मतलब बना दिया गया। मतलब सर कुछ भी मतलब चल रहा है, आप मंत्री हैं, आपका प्राइवेट एयरलाइंस है और आप ही एयरलाइंस के मंत्री बना दिए गए आपको। आप बोलते हो कि विजय माल्या लेके भाग गया, अरे भाग कैसे गया, गवर्नमेंट से कोई भागता है क्या हरामखोर? तुमने मिलजुल के सब भगा दिया, तुमने सब काम कर लिया, भाग गए कैसे? इतनी ताकत नहीं है कि किसी कंट्री के सिटीजन में कोई कितना भी बड़ा हो जाए वो भाग जाए, गवर्नमेंट जब तक ना चाहे तब तक। आप सर खुद आपके सरकार में आप हो, आपने क्या किया, भागने दिया उसको नॉर्मल। अच्छा इधर देखो, नॉर्मल आदमी हेलमेट पहने कुछ भी करे तो फाइन काट दोगे तुम, हेलमेट ना पहने तो, पॉल्यूशन नहीं है तो, और इतना बड़ा आदमी लेके भाग गया और तुम बैठे हो एकदम, आप समझ पा रहे हो? आप सर सारा का सारा वाहन कहाँ निकलता, नॉर्मल आदमी पे, हेलमेट नहीं पहना है, पॉल्यूशन दिखाओ, जूता नहीं पहना है, ये करो वो करो, सारा नियम कानून यहाँ है, और वो सब हरामखोर जो लेके भाग गया उनके लिए कोई नियम कानून, जाके मॉरिशस में ऐश कर रहा है एकदम, ऊपर से क्रिस गेल 7 फोटो डाल रहा है वो अपना, अरे समझ में? आप सोचिए कितना है। तो मैं यही बोला कि ईमानदार बस आप रहिए, बाकी का सर भरोसा मत करिए, इसीलिए अपने हिसाब से काम करिए। कुछ एक ऑफिसर का संगठन है जो सिर्फ अपने ही हिसाब से काम करते हैं, उस ऑफिसर का संगठन बनने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, वो भी एक रॉ की तरह है, वो अपने से लेते हैं टेस्ट। बेबी मूवी देखो, बेबी, बेबी के बाद एक मूवी आया था नाम समाना, नाम समाना में देखोगे वो क्या करता है, वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को कलेक्ट करता है जो सिर्फ सीक्रेटली किसी से बदला लेना चाहे, जो बड़े लोग हैं जिसने गलती किया है उसको, उसको हायर करने के लिए पहले टेस्ट देता है, फिर हायर करके उसको ट्रेनिंग देता है और तब उसको भेजता है अपने मिशन पे। तो सर इस तरीके का भी है, बाकी देख रहे हो आप, एक तरफ बिल मिसयूज का, एक तरफ ये विजय माल्या, हद हो गया है मतलब। और इंडिया में रह रहे अपन और कहते फिरते रहे ये पैसा लेके भाग गया, भागा कोई नहीं है, भगाया गया है, और उसके पहले जो सरकार थी सब मिल के काम किए हैं, बात खत्म। नीचे ही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यह बता दे रहा हूँ मैं, बस नहीं बताने वाला था, ये पढ़ा दे रहा हूँ मैं तेजी में। बजट, पहली बात आप लोग बजट सुने हो ना सर, बजट नाम का कोई चीज़ पहली बात है नहीं, और वो क्या बोल रहे हो सर, सर दिल पे लगा, बजट कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी नहीं, कहीं इस्तेमाल नहीं होता इधर। वो सर स्कॉलर पेपर लोगों का देन है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, तो बोलो क्या, तो सर इधर बजट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो आज से बजट प्लीज ना बोलेंगे आप, ना मेंस में लिखेंगे ना इंटरव्यू में। यही सब चीजें हैं जो मेंस में काट के बाहर कर देगा आपको इंटरव्यू में। जैसे आपने अगर जब तक उसने वर्ड यूज नहीं किया बजट, अगर उसने वर्ड मतलब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला भी बजट यूज किया, तो आपको पहले ये बोलना है कि सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब आप बोलिए, तब उसके बाद बजट से आगे जाइए। ए नहीं कि बस उसने बोल दिया आपने भी मुंह उठा के बोल दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ पा रहे हो? नहीं तो बजट को क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को कभी भी एक क्वेश्चन ऑडी ये पूछ लेता है सब छोटे मोटे एग्जाम्स में, बीपीएससी में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बजट इज कॉल्ड एज व्हाट, डैश नीचे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर लिख देगा एनुअल फाइनेंशियल कैलेंडर, फिर एनुअल फाइनेंशियल बिल, ये वो फलाना ढिकाना। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको क्या बोलेंगे? बजट। अब सर नीचे देख लो उस नोट्स में पेज नंबर 170, देर इज नो सच वर्ड लाइक बजट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहली बात कोई नहीं, मैंने क्या बोला था मेंस में आप वही यूज करोगे जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है, अनऑफिशियली कुछ नहीं, अपने मर्जी से बजट लिख के मत आ जाओ। नीचे आओ, इंडियन रेलवे। सर पहले दो बजट आता था, एक नहीं दो, रेलवे का अलग और उसके अलावा सारा डिपार्टमेंट का अलग। पहले तो आप दो मीनिंग समझ लो इधर, सब अब आंखें अपना खोल कर समझ लेना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से ये काम होगा, बजट आएगा सब कुछ आएगा, नहीं समझोगे पछताते रहोगे। पहली बात, दो तीन बातें समझ लो। सबसे फर्स्ट इधर, पहला क्या कि बजट को क्या बोलेंगे? अरे बोलो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट सर दो चीज, बजट एक होता है और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। दोनों का मीनिंग पहले बता देता हूं, बजट को हिंदी में बजट ही लिखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को होता आर्थिक सर्वेक्षण। तो पहले दो मीनिंग समझो, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब होता है कौन सा ईयर चल रहा है 2022। अब मान लो बजट की बात करें तो बजट हमेशा आगे का होता है 2022 से 2023। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब पहले खर्चा कर चुके हैं, अब आप सर्वेक्षण किए हैं कि कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो कब होगा 2021 से। सुन पा रहे हो? तो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा पिछले साल का होता है। अच्छा बजट मतलब क्या? प्लान बनाते हो कि मेरा बजट कितना है कि आगे इन्वेस्ट करें। जैसे आपके पापा बनाए कि इस बार अगर मेरा आता है इस साल पैसा, तो इस पैसे में आगे मतलब बेटे का फी भरना है, बेटी का फी भरना है, फिर ये करना है, घर का किस्त चुकाना है, ये चुकाना है, तो ये क्या हुआ? बजट आगे का या पीछे का? तो बजट हमेशा आगे का होगा और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पीछे का। पहले क्लियर है? अब आते हैं वापस, बजट को नाम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ तक ठीक, अब आगे क्विक एकदम आना। पहले क्या होता था? इधर देखो, बजट रेलवे का अलग आता था। सर रेलवे इतना प्रॉफिट कमाया कि रेलवे को अलग से खाली रेलवे बजट आने लगा कि सिर्फ रेलवे पे इतना खर्चा होगा रेलवे, और एक बजट आने लगा अलग यूनियन बजट, एक इधर आने लगा यूनियन बजट। मतलब रेलवे को छोड़ के उसके अलावा और जितना भी सारा आ रहा है वो सब एक साथ और रेलवे अकेले। सर गजब का उम्मीद था इंडियन गवर्नमेंट को, भयानक उम्मीद था क्या कि रेलवे जो है ना सर प्रॉफिट कमा के एकदम गर्दा कर देगा। कमाल की बात ये हुई कि थोड़ा नजदीक आते आते रेलवे इतना नुकसान में गया कि आते आते रेलवे को और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया और एक ही बजट हो गया यूनियन बजट। क्या हुआ? अच्छा कमाल की बात है, ये हुआ 2017 में। कब? अरुण जेटली के समय। और अगर बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार का आप देखेंगे तो पूछा था कि कौन से ईयर में रेलवे बजट को मिला दिया गया था यूनियन बजट के साथ, इस बार का क्वेश्चन था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो लोग दिए होंगे जान रहे होंगे। तो सर कमाल की बात है, ये क्वेश्चन पूछा कि कौन से ईयर में रेलवे बजट यूनियन बजट से मिल गया। अरुण जेटली की सरकार थी, अरुण जेटली थे और अरुण जेटली ने इन सबको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और मर्ज करके अब एक ही बजट आता है कि दो? दो, एक। तो अब कौन सा बजट आएगा? यूनियन बजट। तो रेलवे से हमें उम्मीद बहुत थी, लेकिन बाद में रेलवे नुकसान चली गई, इसलिए हमने क्या किया? बोला नहीं सर दोनों को मर्ज करिए, और मर्ज करके एक ही बजट क्या? तो अब एक ही बजट आता है, कौन सा? यूनियन बजट। पहले क्लियर है यहां तक? अब नोट्स पर जरा देख लो ध्यान से। तो सर पहला यूनियन बजट, रेलवे बजट वहां लिख दिया मैंने, उम्मीद तो बहुत थी बट प्रॉफिट ज्यादा हुआ नहीं, इसलिए इसको भी हम लोगों ने यूनियन बजट में डाल दिया। दैट इज नाउ ओनली वन बजट, क्या बोलेंगे उसको? यूनियन बजट। नीचे आ जाओ,
दिस इज द फर्स्ट चेंजेस इन बजट। और कब चेंज हुआ? 2017 में। तो सर 2017 में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें एक ही साथ बजट को इंट्रोड्यूस किया गया अरुण जेटली के साथ, अरुण जेटली से पहले, अरुण जेटली के बाद नहीं, अरुण जेटली के ईयर में। आगे दूसरा प्लानिंग कमीशन, मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्या क्या चेंज हुआ। पहले दो चीज होता था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 ईयर का प्लान होता था, कि पहले एक साल का नहीं होता था, अरे अब तो एक साल चलता है ना, पहले 5 ईयर प्लान 2005 से 2010, फिर ऐसे 2012 ऐसे, मतलब 2012 से 17 फिर ऐसे, समझ में आया मेरी बात? सुनना पहले डिटेल समझ लो, हम लोग ऊपर पर खाली जान लेते हैं, हाँ 5 साल का था खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया, इसलिए सुन लो पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए बारीक से थोड़ा ध्यान दे लो। याद रखना मैं बार बोल रहा हूँ, सिलेक्शन टफ क्वेश्चंस पे नहीं होता है, सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चन पे होता है, इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। आप अगर आईएएस बनोगे तो इजी क्वेश्चन के वजह से ही बनोगे, अगर आप आईएएस नहीं बनोगे तो इजी क्वेश्चन के वजह से ही नहीं बनोगे। इजी क्वेश्चंस बनता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आता तो है प्लानिंग कमीशन, यूनियन बजट, आप बजट ये सब जानते तो हैं, और वहां जाते हैं और बीच में का छोटा क्वेश्चन पूछा, नहीं बना के आओगे, और आपको अफसोस होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन पढ़ के गए थे नहीं बनाए। सिलेक्शन टफ पे नहीं होता है, आसान क्वेश्चन पे होता है, इसलिए आसान क्वेश्चन पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इधर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं एग्जाम नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है सबको, सबको ऐसा लगता है कि अरे पता है हमको, तुम कहाँ हो, तुम कौन से खेत के मूली हो, हमको सब पता, पूरा लूसेंटर रट के आए हैं हम, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए। क्वेश्चन एक आएगा अलग आ देंगे। अब आइए पेज नंबर 171 पे आएंगे। तो सर पहला चेंज मैंने क्या बोला, बजट में क्या किया गया, यूनियन बजट को रेलवे बजट दोनों का क्या कर दिया गया, मर्ज, और एक ही बजट चलने लगा। दूसरा 171 प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन कैसे है समझेंगे, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहली बात यह एक संवैधानिक बॉडी है, तो प्लानिंग कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज अ ग्रेटेस्ट बॉडी ऑफ इंडिया, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FCI, ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मत समझ लेना इसको, गेहूं चावल वाला अलग है, FCI जानते हैं ना, वो अलग है, ये है क्या, ए फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया। सर अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है और ऊपर में है प्लानिंग कमीशन, सुनो इधर, डिपार्टमेंट है क्या फाइनेंस कमीशन, इस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को क्या बोला गया कि एक ऐसा लोगों को बैठाया गया जो लोग प्लानिंग करेगा कि कैसे खर्चा होगा कैसे खर्चा नहीं होगा। अरे आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल बिल बताया था, और मैंने आपको जब बताया कि फाइनेंशियल बिल ओवरऑल होता है न्यू आइडिया प्लस मनी, उसके बाद मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट बताया, हाँ है ना, सेम चीज इधर देखो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को रन करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, उस बॉडी का नाम है प्लानिंग कमीशन, क्या नाम है, अच्छा प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, प्लान करना कि जो आया है खर्चा पानी उसको कहाँ करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ नहीं करना, सुन पा रहे हो, देखते ही देखते प्लानिंग कमीशन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग जिसका हद से हिसाब नहीं, जैसा चाहता था वैसा करता था, अभी आपको उसका पता चलेगा क्यों कैसे, सुन पा रहे हो सब, पहले जरा एक स्टेप नीचे देखो, तो पहले मैंने लिखा है फाइनेंस कमीशन सेज कि टैक्स से इतना पैसा आया, एंड इसमें से सेंटर ने एक्स अमाउंट रखा, स्टेट ने वाई पैसा अपने पास रखा, मींस फाइनेंस कमीशन बेसिकली टैक्स का देखती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट प्लानिंग कमीशन रिकमेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हाउ मच बजट शुड बी ऑफ वेलफेयर, दैट इज वेलफेयर बजट इज ग्रेटर देन टैक्स, सो वेलफेयर के लिए पैसा ज्यादा ही होगा देन टैक्स का पैसा। सुनना दो बॉडी है, एक क्या है फाइनेंशियल, क्या है AFCI फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है कि सर टैक्स इतना आया इससे क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा प्लानिंग कमीशन का क्या काम हो गया, प्लानिंग कमीशन का काम हो गया कि वो डिसाइड करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देती थी कि सर बजट का इतना पैसा आप रेलवे पे खर्च करिए, इतना पैसा वहां खर्च करिए, सुन पा रहे हो, इधर देख लो सब, अगर प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताए कि इतना पैसा वहां खर्च करिए, इतना पैसा उधर खर्च करिए, तो पावरफुल FCI हुआ कि प्लानिंग कमीशन हुआ, प्लानिंग कमीशन हुआ, अच्छा देखो इधर, इसी वजह से प्लानिंग कमीशन क्या करता था, सुनो ये बोलता था कि इस राज्य को, मान लो प्लानिंग कमीशन का लोग हैं, इनको किसी राज्य से किसी मुख्यमंत्री से बनता, समझना बात, ये लोग बोलते हैं उस राज्य को 1,000 दो, एग्जाम्पल ये तो सब करोड़ में रहेगा, 1,000 दो, बोला हा? क्यों, क्योंकि हमको उसका मुख्यमंत्री से बनता, अच्छा प्लानिंग कमीशन सजेशन किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट को, अरे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लानिंग कमीशन ने बोला कि तुम बिहार को फंड मत दो, क्यों, क्योंकि बिहार में सरकार उसकी नहीं है जो केंद्र में,
इसीलिए पहले को गवर्नमेंट जो होता था हरियाणा और पंजाब के, क्या करते थे वो एक ही चीज देखते थे कि जिसका सरकार सेंटर में है उसी का सरकार स्टेट में लाओ, क्योंकि फंड मिलेगा। और हम हैं गोबर लोग, बिहार के लोग महागोबर, जो समझे ही कभी नहीं कि सेंटर में जिसका सरकार है उसी सरकार को यहाँ लाओ, बाकी कुछ मत सोचो। कि फंड प्लानिंग कमीशन एलोकेट करती है और प्लानिंग कमीशन सर बिहार को देगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और हम सर महागोबर लोग निकले, और हरियाणा पंजाब इसमें बहुत आगे हमसे निकला, वो कुछ नहीं देखता था कौन आदमी है, कभी भी नहीं। हरियाणा पंजाब देखो पूरा इतिहास, क्या सोचता था, एक ही चीज, सेंटर में किसका सरकार, बीजेपी, इधर भी बीजेपी लाओ। देख लो पूरा इतिहास उठा के, कांग्रेस की सरकार पहले थी, सेंटर में कांग्रेस, स्टेट में कांग्रेस, हरियाणा पंजाब पूरा फंड मिला उन लोगों को। और हम लोग चिल्लाते रहते तो फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, झंडो, एकदम सीधा सा बात है, मेरी बात समझ आ रही है सर। इस बातों को समझना जरूरी है, हम अंडर डेवलप होने का कारण सेंटर नहीं है, आप हैं, पढ़े लिखे नहीं है लोग, बेवकूफ हैं। अच्छा हरियाणा के लोग कौन से पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस बात को कॉमन सेंस समझते हैं कि फंड हमको सर मिलेगा तब जब सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसी की सरकार स्टेट में होगी तब। इसीलिए आज देख लो हरियाणा पंजाब कहाँ है और हम कहाँ है, क्या कि हम फंस करे तो ना, हम तो जातीय प्यारा है, तो रहो प्यारा और भीख मांगो, रहो प्यारा और भीख मांग रहे। बड़ी जाति के लोग हैं तो बड़ी जाति के लोग भी भूखे मर रहे हैं, छोटी जाति के लोग भी भूख मर रहे हैं। हरियाणा में कम से कम इतना तो है कि सर एक आदमी आपको उपजाओगे तो हरियाणा में कम से कम भीख तो नहीं देना पड़ेगा किसी को। बिहार में आ जाओ तुम, अरे छोड़ो दूसरी जगह जाने के बाद, बिहार में तुम मॉल के पास चले जाओ, 20 लोग भीख मांगने आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं सर, प्लानिंग कमीशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि सारा का सारा जो स्टेट है इस बात से परेशान हो गया क्योंकि फंड नहीं मिल रहा है। और आपको ये रीजन समझना जरूरी है, इसी वजह से पिछले या जब भी कांग्रेस की सरकार जहां होती थी सीधा, अच्छा देखो अभी सेंटर में किसकी सरकार है, बीजेपी की, हरियाणा में कौन है, बीजेपी, पंजाब में तो अभी बाद में हुआ, हरियाणा क्या बना दिया सीधा, उसका एक ही कॉन्सेप्ट चलता है हरियाणा के लोग का, अमरा भैया वो सब नहीं चाहिए, तुम कौन हो, तुम नहीं हो, आदमी नहीं देखता है, वो सीधा देखता है सेंटर में कौन, बीजेपी, स्टेट में किसको लाओ, बात खत्म। और सर देखोगे तो अच्छा तरीका है ये, बहुत बेहतर तरीका है। आप आदमी उदमी मत देखो, आदमी अरे क्या कर लेगा, आप सोचो देखो क्या कर लेगा, अगर सेंटर ने फंड एलोकेट नहीं किया क्या कर लोगे तुम, मुंह बाते रहो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चिल्लाते रहते कि नहीं चिल्लाते रहते, हमको नहीं देता, हमको नहीं देता, हमको नहीं देता, भीख मांगते रहता है लोगों से कि सर आइए और चंदा दीजिए, और चंदा दे के बताइए कि हाँ उसके बाद जाके नवरात्रि होगा कि नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात सर, याद रखो ये सब जो आप बनते हो, आप लोग आईएएस बने हुए ना, तो आप लोगों को ये बात बताओगे कि देखो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है बेटा, ये बात बता दोगे इनडायरेक्टली, आईएएस बताता भी ना तो दूसरे तरीके से बताता है, वो क्या बोलेगा देखो ऐसे बोलेगा, एक स्टेट था वहां पे क्या हुआ कि सेंटर में जो सरकार होती थी ज्यादातर सरकार वैसे ही होती थी, वो डेवलप कर गया, अब बाकी आप लोग की मिली, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, सारा बात बोल दिया। अब इसके बाद तो बिहार के लोग क्या बोलेंगे, तो हमने क्या करी, अरे इतना गधा आदमी समझ ना, उसको पूरा चाहिए सर, पूरा डिटेल में बताइए ना, पूछेगा क्या बीजेपी के दी कि कांग्रेस के दी, वो बोलेगा तू अपने माथा पर दे, समझ ना, क्योंकि तुम्हारा माथा जो है ना उसको चाहिए शौक उसके बजाय उसके बिना तुमको कुछ चले, शौक वाला नहीं, समझ रहे झटके चाहिए। आइए नीचे, क्या समझ पा रहे, इधर 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 कर लो कर लो। प्लानिंग कमीशन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। इधर देखो फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, और प्लानिंग कमीशन सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया एलोकेट किया। इधर प्लानिंग कमीशन इतना हावी हो गया कि फाइनेंस कमीशन नीचे दब गया। अब लोगों को ये लगा कि प्लानिंग कमीशन ही सब कर रहा है, इसी वजह से प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। और प्लानिंग कमीशन में से क्या किया गया, खत्म नहीं, क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन में से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था ना उसको हटा लिया गया। तो ये हो गया ऐसे, देखो प्लानिंग कमीशन था, क्या काम करता था, बजट वजट सब, बोला क्या कि बेटा तुम क्यों उड़ रहे हो, कहे कि तुम्हारे पास पैसा और बजट को तुम सजेशन करो, इसलिए ना लो तुम्हारा पैसों में खींच लिया हम। तो प्लानिंग कमीशन से क्या किएगा, फाइनेंस को हटा लिया गया, इजी को कॉल नीति आयोग, और नया डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब अलग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इसको अलग बना दिया गया, इसका फुल फॉर्म भी है, इसको फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना है। बट लोगों को क्या लगता है पता है, नीति आयोग बड़ी बढ़िया चीज है, अरे कुछ बढ़िया चीज नहीं है,
प्लानिंग कमीशन का नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। बस हाँ, यही किया गया कि नीति आयोग उनका एग्जैक्ट क्या है, उसको पैसे से मतलब नहीं है। वो ये अब आइडिया देगी कि डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं, ये नहीं बताएगा कि कितने खर्चे करने हैं। तो ये एक हुआ है, और ये किसके वजह से हुआ है? अरे समझ में, ये इन्होंने जान मुझ किया, बोला कि पैसा का देखभाल तो हम करेंगे, पैसा का बात गुजराती से नहीं। अरे समझ में, बाकी सब बढ़िया बात। तो पैसा का बात गुजराती से नहीं करने का, पैसा हम बताएंगे कि किधर खर्च करने का। कहे कि हम खाते हैं क्या सुरमा? नहीं, हम खाते हैं क्या ढोकला, फाफड़ा, मांडवा, ये सब खाते हैं। तो ये जो है ना, ये प्लानिंग कमीशन में, एयर सुन लो, प्लानिंग कमीशन में क्या हटा दिया गया? फाइनेंस को। तो नीति आयोग अब सिर्फ ये बताती है कि हाँ बेटा, यहाँ पे हैंड पंप लगाना है कि नहीं, वहाँ पंपी सेट लगाना है कि नहीं, ये नहीं बताएगा कि पंपी सेट पे पैसा खर्च कितना होगा, ये बताएगा तो थप्पड़ मारेगा। इसीलिए पहला चेंज क्या हुआ, यूनियन बजट को रेलवे बजट से मिला दिया गया। दूसरा चेंज, प्लानिंग कमीशन में से फाइनेंस को हटा के नया आया क्या, नीति आयोग। और अब आयो तीसरा चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख लो पहले नीचे पेज नंबर 171। प्लानिंग कमीशन इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, और प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी था, फिर भी सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से बड़ा हो गया था। जरा नीचे आओ, दिस इज ओनली द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री व्हेन एग्जीक्यूटिव बॉडी इज ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डिफाइन ए सिचुएशन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी बड़ा कभी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हुआ हो। ये लोग नहीं पढ़ेंगे डीपली, मरेंगे। तो आप कब, जब प्लानिंग कमीशन का वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी ज्यादा भारी पड़ रहा था। नीचे देख लो, इसी के बाद मैंने लिखा है प्लानिंग कमीशन का इंटरेक्शन स्टेट के साथ ज्यादा नहीं था, एंड वे लोग स्टेट के प्रॉब्लम को बताते थे बट वेलफेयर के लिए इंसेंटिव्स नहीं देते थे। नीचे आओ, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट उस समय खूब चलती थी। इधर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोलिशन गवर्नमेंट क्यों चलती है ज्यादा, कोलिशन समझ रहे हो, गठबंधन प्यार के। अब गठबंधन क्यों चलता है कोई भी सरकार का? इधर देखो, केंद्र ने क्या बोला, अगर हमारे को सरकार बनाने में मदद करोगे तो फंड देंगे। अरे कहने करेगा लो कोलिशन, जब कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो केंद्र में होगा उसी का सरकार कहां हो, राज्य में, तो क्या पूरा मिलेगा? तो आपको क्या लगता है कि केंद्र और राज्य को अगर एमएलए एमपी जो भी की बात करो तो गठबंधन का बनने का चांस ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। अगर ऐसा होता कि सर केंद्र का कोई हो राज्य का कोई हो तो गठबंधन बनता क्या? नहीं। तो सर कोलिशन गवर्नमेंट का बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि प्लानिंग कमीशन बहुत स्ट्रांग हो गया। सुन पा रहे हो सर, एक एक मुद्दा ही रखना है, नहीं तो बस लोग गठबंधन खाली रट के जाएंगे कि दो सरकार मिल जाती तो गठबंधन हो जाता है। क्यों हुआ? अच्छा, गठबंधन उसी समय ज्यादा क्यों हुआ, अब क्यों नहीं ज्यादा होता है, अब अलग अलग क्यों सब पार्टी अपना रहना चाहता है, उसके पीछे कारण है। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे आइए, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट उस समय खूब बनती थी, एंड सेंटर जो है उसी स्टेट को फंड देती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के मेजोरिटी में होती थी उसका साथ देती थी, एंड सेंटर गवर्नमेंट भी उस स्टेट को फंड ज्यादा देती थी ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने ना दे। नीचे, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन काफी ताकतवर हो गई थी। पेज 171, प्लानिंग कमीशन काफी ताकतवर हो गई थी। सो प्लानिंग कमीशन में से फाइनेंस को बाहर निकाल दिया गया, एंड दैट इज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन माइनस फाइनेंस इज इक्वल टू व्हाट? नीति आयोग। नीचे आ जाओ, प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर का प्लान था, 5 साल का होता था प्लान, 1 साल का नहीं, 5 ईयर, 2012 से 2017 ऐसे कर दिया गया। एडॉप्टेड फ्रॉम रसिया, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो प्लानिंग कमीशन रसिया से अडॉप्ट किया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछने का चांस कम है क्योंकि जो बॉडी खतरा थी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो प्लानिंग कमीशन कहाँ से लिया गया था? रसिया से। नीचे आओ, हैज टेकन एनीथिंग रिलेटेड टू सोशलिज्म फ्रॉम रसिया से। हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, सोशलिज्म से बहुत कुछ लिया है। लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था 2012 से 2017, और 2017 से ही तो फिर क्या हुआ, यूनियन बजट शुरू हो गया रेलवे को मर्ज करके। सुन पा रहे हो, तो लास्ट 5 साल तक था वो खत्म, और वहां से नया शुरू। तो सर नीचे मैंने क्या लिखा है, ये सब कुछ खत्म हो गया इसलिए मैंने वहां पे क्रॉस कर दिया है। जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया तो सब करने का क्या, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो क्या मैंने बोला, पहला चेंज बोलो, पहला चेंज क्या हुआ, रेलवे प्लस यूनियन बजट को मिला दिया गया। दूसरा चेंज, फाइनेंस कमीशन में से प्लानिंग कमीशन हटा के फिर क्या, नीति आयोग लाया गया। और उसके बाद अब आओ तीसरा चेंज, जल्दी क्विक। पहले नियम था कि सर कैलेंडर ईयर जो होता था हमारा, मान लो फाइनेंशियल ईयर होता था अप्रैल से मार्च, याद है किसी को? पहले अप्रैल से कहां तक चलता था, मार्च। अब देखो इधर क्या दिमाग लगाई, इधर समझ लेना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं आपको, सुन लो नहीं तो नुकसान होगा। पहले का कैलेंडर चलता था जो बीती है बजट, तो उसका कहां था, अप्रैल से कहां चला, मार्च। अच्छा देखो, इसका कोई लॉजिक नहीं था,
क्यों चल रहा है? अच्छा कैलेंडर ईयर कैसे चलता है? जनवरी से दिसंबर, ये लोग अलग चल रहे हैं। बाबा रणछोड़ दास आए हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अप्रैल से, मतलब इनके लिए सर अलग ही काम चल रहा है। यहाँ से इन्होंने क्या किया, अप्रैल से सीधा मार्च कर दिया। बेटा हम अलग हैं, हम अलग लेके आए हैं। लेकिन सर ये कुछ अलग लोग नहीं था, ये अंग्रेज पहले ऐसे ही चलाते थे, उसी कॉम फॉलो कर रहे थे। अच्छा इसका नुकसान क्या हुआ देखो, पहले वहाँ नोट्स तो क्विक देखो। असेसमेंट ईयर, इसीलिए बजट का जब आप पढ़ेंगे और बजट का कॉपी निकालोगे तो वहाँ AY लिखा रहेगा और FY लिखा रहेगा। AY मतलब असेसमेंट ईयर और FY मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो असेसमेंट ईयर 2021 से 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 है। इसका मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक सर्वे, और असेसमेंट ईयर मतलब बजट। सुन पा रहे हो? तो AY मतलब क्या बजट, और FY मतलब क्या इकोनॉमिक सर्वे। नीचे आओ, मतलब 2020 से 21 वाला टैक्स 2021-22 वाले में दे रहे हैं, यही होता है। अब नीचे आओ, एंड दिस इनकन्वीनियंट इज ओनली ड्यू टू वेस्टर्न अप्रोच, दैट इज अप्रैल से मार्च। अब सोच के देखो ना, अप्रैल से मार्च हो रहा है तो यही तो हो रहा है कि 2021 का टैक्स 2022 में दे रहे हो आप। अब जरा देखना क्या होगा, नीचे आओ। सो बजट दैट इज गवर्नमेंट वर्क्स ऑन अप्रैल से मार्च कॉन्सेप्ट, ऑन 31st मार्च को सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, सो गवर्नमेंट तो पैसा निकाल नहीं पाएगी। अब 31 मार्च को सारे हो जाते, पहले देखो ना 31 मार्च 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 होता था बहुत कुछ, अभी भी होता है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी अलग है, अभी समझो पहले के और अभी में बहुत फर्क है, पहले सुन लो। 31 मार्च को सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, तो पहले फरवरी लास्ट वीक में बजट इंट्रोड्यूस होता था। बजट इंट्रोड्यूस होता था फरवरी के लास्ट वीक में, मान लो 20 से 28 के बीच में। अब जरा नीचे आओ, 20 से 28 तक लास्ट वीक में इंट्रोड्यूस हुआ और मई तक उस पर डिस्कशन चलता था। कब तक? अब जरा नीचे आओ, एंड बट फाइनेंशियल ईयर लास्ट तो मार्च था। अरे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट कब था? मार्च, अप्रैल से तक मार्च तक। आपने इंट्रोड्यूस बिल कब किया? फरवरी के लास्ट में। और डिस्कशन कब तक कर रहे हो? अरे कब तक? सोचो इधर, आपको ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला मैंने, फरवरी में बिल आया, फरवरी में जब आपने बजट लाया लास्ट वीक में, लगभग फरवरी के अंतिम, डिस्कशन कब तक चल रहा है? मार्च, अप्रैल, मई। ऐसा नहीं है कि बजट आ गया हो गया, अरे बजट को पास भी कराना होता है। सुन पा रहे मेरी बात? तो पहले आया मान लो 28 फरवरी को, सुन लेना ये, 28 फरवरी के बाद डिस्कशन कब तक चला उस पर? मई तक। कब तक? लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब तक था? मार्च तक। अरे अप्रैल तो इधर छोड़ दो, अप्रैल से कहां तक? मार्च। हाया ना? अच्छा अब आपको अप्रैल से मार्च तक अगर डिस्कशन चले, सॉरी अगर फरवरी से कहां तक डिस्कशन गया? मई तक। मार्च 31 खत्म हो गया, तो खत्म जब हो गया तो अकाउंट उस दिन क्लोज हो गया। अरे क्लोज हो गया ना सब? लेकिन डिस्कशन तो चल रहा है अभी, अप्रैल मई, दो महीना, समझ रहे हो? तो दो महीना जो डिस्कशन चलेगा उसका भी तो पैसा खर्चा होगा। डिस्कशन करवाओगे, डिस्कशन होता है कि कितना बजट क्या है, कैसे है, क्या चीज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत कुछ होता है उस पर। अब उस दो महीने के डिस्कशन के लिए नेता लोग को पैसा दिया जाता था, कोई बात नहीं, तब तक आप 3-4 करोड़ अब पॉकेट खर्चा चलाइए, मात्र कितना 3-4 करोड़। ऐसे क्यों कहे कि आप दो महीने चाय पी के क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं? तो बोला जाता था कि अरे भाई पैसा तो दोगे ना उसको, डिस्कशन तो कर रहा है ना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म कब हो गया है? 31 मार्च, मार्च में खत्म हो गया है, सारा अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज। क्या समझ पा रहे हो? अरे जोर से बोले, ऐसा नो। तो पूरा अकाउंट क्लोज हो गया है, लेकिन पैसा कहाँ से दोगे आप? तो पैसा देने के लिए क्या किया जाता था, ये बोला जाता था सर एक्स्ट्रा, वही जो बोला था आपको इमरजेंसी के लिए रखा जाता था COFI, वही इमरजेंसी यहाँ है। और बोला किया जाता था नेता लोग को 4-5 करोड़ रखिए खाली चाय पानी के लिए, और मई में जैसे डिस्कशन होकर फिर पास हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो नया सेशन में जब बजट डिस्कशन होगा तो फिर वो पैसा उसमें मैनेज करा लिया जाएगा, 4-5 ही करोड़। लेकिन वो चार पाँच करोड़ वो एक्स्ट्रा होता था, वो आपसे मतलब जितना आपका फंड है उस फंड के अलावा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो वो मैंने क्या बोला, गुजराती क्या बोलता है, पैसा का हिसाब किताब होता है। अच्छा आप बताओ ये अच्छा किया उन्होंने, क्या किया, बोला क्या इधर मई तक डिस्कशन काहे जाएगा, हमें काम करते हैं फरवरी के लास्ट वीक में, नहीं फरवरी के फर्स्ट वीक में बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, बजट को लाएंगे। इसलिए बिल 1 से 7 के बीच में आता है फरवरी में, और
कितना डिस्कशन, फरवरी का पूरा, मार्च तक जाते जाते सर पूरा करिए खत्म। पैसा एक्स्ट्रा काहे दे तुमको, जब तुम डिस्कशन खींच के कहाँ चले जाते थे, मई तक ना, और खत्म कब होता था, मार्च में, 31 मार्च को तो खत्म हो जाता था। तो क्या बोला कि हम लास्ट में इंट्रोड्यूस ही काहे करे, हम उस बिल को पहले कर दे। और कुछ लोग सवाल भी उठाया कि सर पहले से ऐसा होता है, बोला कि अरे चुप बे भूतनी के, पहले से होता था, कोई कारण है क्या? आप किसका फॉलो कर रहे हो, अंग्रेज का? अंग्रेज वैसा करते थे, आप भी वैसा, कोई रीजन है क्या? नहीं। अच्छा, इन्होंने जैसे ही बोला आधे से ज्यादा एमपी लोग का सटक गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा जो 4-5 करोड़ पॉकेट खर्चा मिलता तो मिलेगा नहीं। अच्छा सोच के देखो सर, ये हिम्मत होना चाहिए अपने गवर्नमेंट में रह के अपने एमपी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेना, आसान काम नहीं है सर। जहां सारा एमपी चाहे तो क्या पता अपना अपना हटा ले, उसमें से समर्थन ही हटा ले, कुछ भी कर ले, अरे है ना कि हमको नहीं दे रहा 4-5 करोड़। अच्छा 4-5 करोड़, आप सोचो ना क्या होगा यार उसको। 2 महीने तुमने डिस्कशन किया और 2 महीने में तुमने 4-5 करोड़ ले लिया खाली चाय पानी पीने के लिए। ये क्या क्या चल रहा है, नौटंकी तो और क्या है सर। थैंक्स टू द पिछला सरकार, और कंटिन्यूअस उतने सालों से सरकार आ रही है, आज तक सरकार ने सोचा नहीं, आराम से 4-5 करोड़ दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है सब। सर देखोगे ना, यही फर्क है कि कांग्रेस के जो सरकार में है खूब सर राजशाही चलता है उनका, हर गौर देखोगे हर किसी को पूरा क्रीच एकदम टाइट रहेगा। मतलब आपने वो 4-5 करोड़ यूं ले लिया, इसीलिए इधर दो चीज मोदी ने बोला। फर्स्ट, दिमाग में रखिए इस बात को, बजट कब होगा? पहले वीक में, और मार्च तक लीजिए खत्म करिए। फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में खत्म होता है ना, वहां तक डिस्कशन करके खत्म करिए। फरवरी के फर्स्ट में पूरा 2 महीने बचा, करना क्या है आपको? 2 महीने आप उधर अप्रैल मई 2 महीने ले रहे हैं ना, तो 2 महीने आपको यहां भी तो मिल गया, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो गया, पूरा फरवरी पूरा मार्च खत्म करिए, बात खत्म। एक्स्ट्रा 4-5 करोड़ का है तो बिल, अब बजट इंट्रोड्यूस कब होता है, लास्ट में कि फर्स्ट में? फर्स्ट में, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, यहां तक ठीक। अब सर ये तीसरा चेंज है, लेकिन अभी घबराना मत, अभी एक मजेदार चीज और होने वाला है, और मजेदार क्या चीज होने वाला है उसको समझो। 4-5 करोड़ तो पहले खा गया, अच्छा वो पैसा तो बच गया इंडिया के पास, वो बच्चा तो कहीं और यूटिलाइज तो हो जाएगा, ठीक। अब यहां तक के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से समझ लेने का, पेज नंबर 172 आ गए। चलो जरा देखो नीचे कॉन्क्लूजन लिखा होगा, कॉन्क्लूजन में पहला क्या लिखा है, यूनियन बजट प्लस रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। अरे क्या क्या चेंज हुआ, 3 चेंज, यूनियन और रेलवे एक साथ। दूसरा क्या, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग। तीसरा, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, मतलब अब हम बजट को पहले लाते हैं ना कि बाद में, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट आ जाता है, काम अपना हो जाता है। अब जरा बस थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद पेज नंबर 173 पे आइए, 173। अब बस यहां तक मैं एक नियम आपको समझा देता हूं, सुन लो, इधर इधर देख लो, यहीं तक करेंगे बस। बजट में क्या, पहले समझ लो, अरे आगे भी पढ़ाऊंगा, रिलैक्स मत हो जाओ। अच्छा हो गया, जैसे बोला यहीं तक, ऐसे आधा से ज्यादा, अब समझो आगे थोड़ा। पहले बजट में बोला गया, देखो नियम क्या है, गवर्नमेंट में नियम है, इसलिए क्यों लोग उड़ाते हैं नेता लोग, उसके पीछे नियम ये है। मान लो आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन, आपको बोला गया आपको कितना चाहिए, आप बोले हमको मान लो 300 करोड़ दे दीजिएगा, हमको 300 करोड़ से काम चल जाएगा, मतलब हम अपने डेवलपमेंट उस फील्ड में इतना कर लेंगे, कितना, मात्र 300, अरे करोड़ 300 नहीं, मात्र 300। अच्छा अब आपको मान लो 300 करोड़ क्या किया गया, दे दिया गया। अब 300 करोड़ दिया गया और आपसे क्या हुआ, खर्चा नहीं हुआ, सुनना, आप मात्र खर्चा किए 200 करोड़, कितना किए सर, वापस इधर इधर। जैसे ही बजट इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, इंट्रोड्यूस होने के बाद सबका हिसाब किताब लगना शुरू होता है, तो हिसाब किताब कैसे पूछा जाएगा, बेटा कितना लिए थे, 300 करोड़, कितना किए खर्चा, कितना, 200, कितना किए। अच्छा नियम यह है कि अगर आपने कम खर्चा किया तो अगली बार आपको फंड उतना ही मिलेगा जितना आपने खर्चा किया, तो आपको क्या हो गया, नुकसान। तो कोई भी एमपी एमएलए चाहेगा क्या कि हमारा नुकसान हो, वो तो चाहेगा ना कि दबा के खर्च करो, तो गवर्नमेंट ने आपको परमिशन क्या दिया, दबा के खर्च करो। और दूसरी बात, आपका पोजिशन भी कम हो जाएगा, मतलब नियम क्या है आपके पास एक ही, कि जितना मिला है पूरा खर्च करिए, कम नहीं,
क्या सुन पा रहे हो? मतलब अगर आपने 200 किया तो पिछली बार आपको नेक्स्ट ईयर जब आपको मिलेगा तो आपने पहली बार कितना मारा था? 300, अब आपको मिलेगा मात्र 150 सीधा 50%। या वो चाहे तो 100 करोड़ भी देगा लेकिन आपको 300 या 300 से ज्यादा नहीं देगा। तो कोई चाहेगा क्या कि हमको कम मिले? अच्छा अब सुन लो, मान लो 300 मिल भी गया उनको लेकिन वो खर्च कर ही नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ खर्च करे भाई। इलीगली तो खर्च नहीं कर सकते लेकिन खर्च पूरा कर दिए जितना टारगेट तक खत्म, अब कहाँ करे इधर। इसी वजह से फरवरी के बजट इंट्रोड्यूशन के बाद जनरली जैसी मार्च आ जाता है ना, मार्च का 1 तारीख शुरू हुआ, अब इन सबको बेचैनी होती है कि यार अभी दादा 200 खर्च किए हैं, अभी 100 करोड़ बाकी है, कहाँ जाएं कहाँ। इसीलिए उस समय सारे स्कीम पॉलिसीज सब कुछ, इसीलिए ज़्यादा स्कीम और पॉलिसीज मार्च में आता है और इसी को बोलते हैं मार्च रस, भागम भागी लगा हुआ है। इसीलिए उस समय देखोगे ना बैंक वाला खूब लोन देगा फरवरी से मार्च में, ये ले लो वो ले लो इतना फ्री में ले जाओ, ये सब पूरा एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही मार्च का 31 क्लोज, उसके बाद जाके बैंक में मुंह उठा कौन रहे क्योंकि सर ये पैसा घुमाएगा ना, ये 200 उसका 100 बचा करोड़, ये सब बैंक वाले को दिया, बोला भाई सबको लोन दो, गाड़ी खरीदवाओ, ये बढ़वाओ, ये करो, ये पॉलिसी दो, ये पेड़ दो, ये साइकिल खरीद के दे दो, ये दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं मार्च। इसीलिए आप लोग क्या रटते हैं कि ये पॉलिसी 11 मार्च 1931 को हुआ था? अरे रटना ही नहीं है, कॉमन सेंस है कि जो भी पॉलिसीज आएगा वो आपको मार्च में ही आएगा। इसीलिए जितना पॉलिसीज आप जाकर देख लो, पूरा खंगा के देख लो, लूसेंट फूसेंट सब देख लो जाके, हर जगह पे पूरे पॉलिसीज मार्च में एक्टिवेटेड है। बहुत मिनिमम ऐसे पॉलिसीज हैं जो कोई इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो जाके अक्टूबर में सितंबर में होगा, बहुत जरूरी होगा तब, नहीं तो सारा पॉलिसीज फरवरी से मार्च तक पूरा का पूरा। ये कॉमन सेंस याद करने का, रटने का भी तरीका होता है। यहाँ बेवकूफ सब लूसेंट ले लिया है, एस्बेस्टस में गर्मी का पूरा बाल उड़ गया हुआ है, लगा हुआ है रटने के लिए। अरे सर गरीबी और अमीरी से कोई फर्क नहीं है, आप तरीका इतना गलत है। वही बोले ना चड्डी और बनियान पे एकदम रट रहा है सर, बैचलर को देखा है मैंने यहाँ पे, अजीब टाइप का मेरा सर, धूप में भी अभी एस्बेस्टस में बहुत बच्चे होंगे, मैं जानता हूँ, देखा हूँ आंखों से, इधर से पसीना, इधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीना निकल रहा है, लेकिन सर एग्जाम एक भी निकला नहीं है। क्यों? इधर तरीके का फर्क है, सुन पाना, उनको यही पता नहीं चलता है। और मैं बता रहा हूँ, उनसे पूछोगे तो बता भी देगा, उनसे पूछोगे ना वो बता भी देगा। दो ही तरीका है, फरवरी से जून तक मैक्सिमम पॉलिसीज बना हुआ होगा। इन्वायरमेंट डे कौन? 5 जून। अब सर जितना सारा मनाया जाएगा ना, इन्वायरमेंट वाला डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री होगा पैसा बचा हुआ है, लेकिन वो तो चाहेगा मार्च से पहले खत्म करे, मार्च से पहले खत्म कर लिया, अब नया मिला तो सर नया नया अपना नाम कमाने के लिए कुछ शुरुआत में कर देंगे, नहीं तो कब करेंगे? लास्ट में। सुन पा रहे हो? खैर इधर क्लास होता है यहीं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे बाकी। अब सुन लो, आपका पार्लियामेंट का मैक्सिमम चीज कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे छोटे छोटे डिटेल्स हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज अभी नहीं, उसके पहले तक एक बार देख ही लो पेज नंबर 176। अरे आ जाओ, 1 मार्च रस दिखाए। yes, अरे रस, ये रसगुल्ला का रस नहीं है ये, रस मतलब क्या, भागम भागी जो लग रहा था भीड़। तो मार्च रस आओ, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, सो गवर्नमेंट सेज कि 100 करोड़ आपको दिए थे, आप अपना 70 करोड़ खर्च किए हैं तो 30 करोड़ आपसे वापस ले लेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर आपको 30 करोड़ कम भी देंगे, मतलब जो 30 ईयर बच्चा है वो ले भी लेंगे और अगले साल क्या है कम भी देंगे। तो कौन चाहेगा, कौन बुद्धू चाहेगा ये? आगे आओ नेक्स्ट। इसलिए गवर्नमेंट में कंजूसी होना या कंजूस होना अच्छा बात नहीं है, तो कंजूस मत रहिए नहीं तो आपको लोग बता देंगे। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा स्कीम और पॉलिसी जनवरी से मार्च तक रिलीज होती है एंड सब अपने खर्चा, इसलिए मार्च रस इसको कहते हैं। सबसे ज्यादा स्कीम एंड पॉलिसी ऑल इन करंट अफेयर जनवरी से मार्च के बीच ही होता है। सुन पा रहे मेरी बात? ये सर इंपॉर्टेंट है चीज, अब नीचे आओ। गिलियोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। गिलियोटीन एक पहले होता था जिसपे हिस्ट्री में नाम था रॉबर्टस्पियर, उसने क्या किया था कि उसके खिलाफ जो भी बोलता था, इधर एक मशीन होती, इधर देख लो बर्बरता का हद पता चलेगा आपको, उस मशीन पे सामने खड़ा कराया जाता था और ऐसे लेटा के और गर्दन सीधा काट दिया जाता था। जो भी उसके खिलाफ होता था, जो भी खिलाफ कुछ भी बोला, एक ही इलाज था, क्या नट्टी खड़ा करो सामने, काटो अलग कर दो, वो मशीन ही होता था गिलियोटीन, जो समझ में आ रहा है। अब वो खत्म कर दिया गया, वो गिलियोटीन था, तो उसी गिलियोटीन पे बाद में उसी को चढ़ा के मार दिया गया।
वो राजा था, बाद में उसको भी उसी गिलियोटिन पे उसने शुरू, अरे बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। तो सर रॉबेस्पियर ने अपना खुद से वो मशीन शुरू किया और खुद से ही अपना गर्दन कटवाया। तो जो गड्ढा खुदता है उस गड्ढे को, समझ में आ रहा मेरी बात, उसमें पहले वही गिरता है। आ जाओ नीचे। इसलिए दूसरों के लिए जो बुराई सोचते हैं पहले वही उसी का होता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि अगर घर वहाँ ढह जाए इतनू मतलब अजीब अजीब लोग हैं। घर अच्छा बनाया हुआ है, वो काफी बड़ा शानदार, मन में कोई सोच रहता है एक बार तो भूकंप के देरी बा ओकरा बस सारा घर इनका घर में रह जाए अरे तुमको खुश होना चाहिए, इसको लग रहा है कब गिरेगा कि हमारे बराबर आ जाए, क्या कि हमारा तो इतना ही बराबर है, उसका इतना ऊपर, तो बराबर होने के लिए क्या कहिए, भूकंप, ताकि गिरे और बराबर हो जाए। ये सर इतना नीच आदमी लोग हैं, नीच चाहिए चलो करेक्ट बोलो गुलियोटिन इन बजट, आपने डिस्कशन किया खत्म, सब कुछ टक टक करके पास करा लिया, मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट एंड ऑल, तो कितने से पूछेंगे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखो क्या होता है, तीन चार डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि सर आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। अब आपने सब कुछ ही ने बताया, किसी नहीं बताया, उसके बाद इधर अब हर किसी को थोड़ी ना पता है कितना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट सीधा करते ठीक है तुम 300 लो, तुम 400 करोड़ लो, तुम 550 60 करोड़ अपने हिसाब से दे दिया। सुन पा रहे हो, देख लो बस दो मिनट और नीचे आओ, बिकॉज एवरी, इसलिए मिनिस्ट्री से पूछा गया कि 100 करोड़ देने से यस, इन सब से डिस्कशन करने गए तो पता चला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही एक मंथ लग गया पास करने में। अगर सबसे पूछेंगे तो समझ लो इतना डिपार्टमेंट है, पूछने में इतना वक्त लग जाएगा, इसलिए दो तीन आदमी जो इंपॉर्टेंट है उससे पूछ लिया जाता है डिपार्टमेंट से, बाद में सबको नॉर्मल उसका जरूरत के हिसाब से दे दिया जाता है। नीचे आओ, अब इसको बोलते हैं गिलियोटिन, मतलब आपने डिस्कशन खत्म करके और उसके बाद क्या किया, सब कुछ पास करा लिया और पास करा के धड़ाधड़ सबको अपने डिपार्टमेंट में दे दिया। अच्छा, इसमें एक हलवा सेरेमनी होता है, बजट जब पास कराया जाए, सुन लो, बजट पास हो जाता है ना तो सर बजवा, देखो सुन लो पहले ध्यान से, हालांकि और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, वो रेड क्यों हो जाता है, वो क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ वो आपको समझाएंगे, बट अभी समझो ध्यान से जो जरूरी है उतना। बजट पास कराने में अगर सरकार खुद ही बजट नहीं पास करा पा रही है तो फिर सरकार किस काम की है वो, बजट अगर नहीं पास करा पाया नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और मैंने क्या बोला, सरकार सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे गिरती है कि सेंसियोर पे, सिर्फ किस पे, नो कॉन्फिडेंस पे। तो सर क्या किया जाता है, जो लोग बजट बनाए हैं उन सब का सेलफोन सारा कुछ जब्त कर लिया जाता है, और पार्लियामेंट के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में प्रिंटर है सर, अंदर अंडरग्राउंड वहाँ प्रिंटिंग होती है पूरे बजट की, और उन सबको एक कमरे में निर्मला सीतारमन जो कि वही अभी फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर, उन सबको बंद करके और रखा जाता है 10 से 15 दिन तक, सारा खर्चा दिया जाता है, हलवा बनाया जाता है और हलवा बना के सीतारमन जी खिलाती हैं, मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा उसी को बोलते हैं हलवा सर। इसलिए क्योंकि जब तक बजट बाहर पास नहीं हो जाए तब तक ये इन्फॉर्मेशन लीक होना नहीं चाहिए। तो आप ऑफिसर जो बनते हैं और जो लिखते हैं तो सर आपको भी कब्जे में वहाँ रखा जाएगा, मस्त रख के हलवा खाइए चुपचाप, बस फोन उन सब कुछ ऑफ रहता है और अंडरग्राउंड रहते हैं आप। सर कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे टफ सिक्योरिटी उस समय दिया जाता है जहाँ पे कभी भी पता नहीं चला, तो हर गवर्नमेंट देती है, और वहाँ आपको अंदर सिर्फ चुपचाप रहना है, सारा फैसिलिटीज है आपके पास। सर सरकार गिरने की बात है ना, अगर सरकार सोचो अपना बजट खुद ही पास नहीं कर पाएगी तो किस बात की सरकार है, क्यों बनाया उसको, तो इसी वजह से उनको पूरा रखा जाता है। एक डेटा लीक हुआ अगर सर धड़ाम से, इसीलिए उस सेरेमनी का नाम हलवा सेरेमनी है, जरूरी नहीं है कि उसमें हलवा ही बनेगा, उसका नाम हलवा सेरेमनी है, उसमें मीट भी बन सकता है लेकिन राक्षस लोग कम होते हैं उसमें तो उसमें क्या है क्योंकि सादा ज़्यादा उसमें बनाया जाता है, राक्षस तो पता था गंध से मर गया सब, तो थोड़ा वहाँ पे सादा ही शाकाहारी बनाया जाता है, हलवा कभी खीर बना दिया जाएगा लेकिन ज़्यादातर टाइम हलवा बनाया जाता है। कारण ये होता है हलवा का, एक तो पहली बात तो थोड़ा सा सॉलिड टाइप पे है, पूरा लिक्विड कंप्लीट होता नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न है हलवा बनाने का, और दूसरा आपके जो आप जहाँ रहते हैं खाने के लिए तो नॉर्मल कुछ ना कुछ आइडिया देना जाएगा। देखना हर बजट जैसी पास होगा उसके बाद एक फोटो आएगा और निर्मला सीतारमण आपको दिखेंगे 10-20 आदमी के साथ कोटबंद के साथ, और आएगा हलवा सेरेमनी हैज बीन एंडेड या हलवा सेरेमनी हैज बीन स्टार्टेड। सुन पा रहे हो मेरी बात, तो सर वो बजट को पास करने से पहले किया जाता है और बहुत टफ सिक्योरिटी होता है वहाँ, ये भी काम होता है। अब गिलियोटिन के बाद नीचे एक लास्ट कट मोशन,
कट मोशन में है. इन नॉर्मल बिल यस और नो, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड. इन बजट, इफ बजट फेल देन ऑटोमेटिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट फॉल्स. उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड कट मोशन. कट मोशन इज द वेरियंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ बजट, दैट इज बजट वेरियंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. मतलब कट मोशन इज वॉट, कट मोशन क्या है, बजट से रिलेटेड. इफ बजट फेल्स तब जाके सरकार गिरेगी. इफ बजट फेल्स सिर्फ पर्टिकुलरली किसके लिए है, बजट के लिए, नॉट फॉर कि आपका, मैंने क्या, अरे नो कॉन्फिडेंस मोशन में दो चीज हो सकता है, बहुत चीज हो सकता है. समर्थन वापस ले लिया गया तब भी सरकार गिर जाएगी. और दूसरा मैंने क्या बोला कि सर आप बजट सिर्फ पास नहीं करा पाए, उसको बोलेंगे क्या, कट मोशन. क्या सुन पा रहे हो? अरे सुनो, तो जब सिर्फ आप बजट पास नहीं करा पाए और तब सरकार गिरे, तब पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, कट मोशन. और किसी और वजह से गिरे तो सर वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको बोल ही देंगे. लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि कट मोशन इज कुछ नहीं, बस पार्ट ऑफ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन या वेरिएंट ऑफ दी नो कॉन्फिडेंस. समझ पा रहे मेरी बात? अरे है ना. तो सर गिलियोटिन मतलब क्या, आपने टकाटक करके तीन चार लोगों से पूछा, पूरा पास करा लिया. उसके बाद मैंने आपको कह लिया मार्च रस, क्योंकि सर आपसे पैसा ले लिया जाएगा, अगले साल कम भी दिया जाएगा, तो आप पूरा पॉलिसीज और पैसा छीट देते हो. इसलिए फरवरी मार्च में नई नई गाड़ियाँ खूब देखने को मिलेंगे आपको, खूब सारे लोग लोन ले रहे होंगे. बॉस एकदम आपको फोन करके परेशान कर देगा, क्रेडिट कार्ड वाला, लोन वाला, सब परेशान कर देगा. सुन पा रहे मेरी बात? अब जरा स्टेप नीचे आओ, आ जाओ. अब उसमें देखो एक एडजॉर्मेंट कट दिख रहा है. अरे नीचे पेज 176, इकोनॉमिक कट, दैट इज पैसे ज्यादा दे दिए, कम करो, बट सरकार इसमें नहीं गिरती है. एडजॉर्मेंट कट मतलब होता है कि पैसे ज्यादा दे दिए आपने किसी डिपार्टमेंट को, बोला इसको इतना ज्यादा देना नहीं चाहिए तो कम कर दो, उसको बोलते हैं एडजॉर्मेंट कट. नीचे है सेंसियर कट. टोकन कट, इस मंत्रालय में जिस बेसिस पे पैसा दिया था उस आइडियोलॉजी पे सही नहीं है. मतलब देश मर रहा है और आप पैसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे रहे हैं. मतलब आपने पैसे दिए जिस नियत से दिए, वो नियत अब सही नहीं था. मतलब वो जरूरी नहीं था कि उधर देश मर, बोले देश के लोग उधर मर रहे हैं और आपने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे दे दिए हो. तो मतलब एडजॉर्मेंट कट मतलब क्या, अरे क्या एडजॉर्मेंट कट मतलब, जब आपसे पैसा ले लिया गया, कम कर लिया गया, कितना ज्यादा जरूरत नहीं था. दूसरा सेंसियर कट मतलब क्या, कि आप पैसे जिस बिहाव पे, जिस नियत से दिया गया था, वो नियत सही नहीं लग रहा है तो फिर उसको वापस. अब हाँ एग्जैक्टली. दूसरा अब नेक्स्ट पेज पे आओ, 177, बस लास्ट के बाद दो और लास्ट पढ़ाऊंगा, खत्म. 77 पे आ गए. तो कट मोशन एडजॉर्मेंट देखो, उसमें एडजॉर्मेंट और सेंसियर इज नॉन बजट वेरिएंट. तो एडजॉर्मेंट और सेंसियर का बजट से कोई रिलेशन नहीं है. कट मोशन किससे रिलेटेड है, बजट वेरिएंट से. यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट मोशन एडजॉर्मेंट मोशन, इन दोनों का मेन फर्क बताइए. तो कट मोशन कब लगेगा, जब बजट नहीं पास कराने की वजह से सरकार गिर जाए तो कट मोशन है. एडजॉर्मेंट कट तो अलग है, और उसका फिर क्या है आपका, कौन सा, सेंसियर कट. वो दोनों का मीनिंग अलग है. सेंसियर कट में नियत पे चैलेंज होता है, और एडजॉर्मेंट कट पे आपको पैसा ज्यादा दे दिया गया तो वापस ले लिया जाए. यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां तक पार्लियामेंट के मेन स्कीम अभी खत्म हुए हैं. पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह अभी इसमें बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, लेकिन इस बिहाफ तक, क्योंकि इसके आगे आप जब देखोगे, इसका यहीं तक है आपके पास नोट्स, किसके आगे तक है, पार्लियामेंट्री कमेटी का है ना. तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का होगा, फिर उसके आगे एक और होगा, नहीं है, ठीक है. तो पार्लियामेंट्री सुन लो, पार्लियामेंट्री कमिटीज है, इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं. अभी मैं आज इसको नहीं पढ़ाना चाहता था, इसको क्या बोलते हैं, बजट को, लेकिन मैं जानबूझ के पढ़ाया हूँ इसलिए, क्योंकि आप इतना बात अब मान के चल लो कि पार्लियामेंट का लगभग मैक्सिमम चीज, जो मेंस का टॉपिक अभी और है, राज्यसभा और, कितना पेज तक हम आ चुके हैं, 177 या 7 तक या 6 तक, तो 176 या 7 तक आ चुके हैं. 240 पेज का नोट्स आपके पास है, तो हम समझ लो कि 175, 240 का आधा कर लो, 175 ना 250 होता है ना शायद, 250 350 होता है, तो अब 175 आ चुके हो, तो हम लोग मोर देन 60% कवर कर चुके हैं. और इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफ़ी इजी है और वो धड़ाधड़ होता जाएगा. मेंस का है पूरा डिटेलिंग में, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव. तो आपका काम क्या है, लक्ष्मीकांत निकालिए जल्दी से, क्विक, नहीं पढ़ना है अभी.